देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। मैम। अच्छा लास्ट क्लास में ये यहाँ तक मैंने समझाया था, लाइफ इंश्योरेंस वाला स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है, और जो भी बाकी था क्वेश्चन वो मैंने करवा दिया था, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस का जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस पर कुछ क्वेश्चंस है मैथ से, वो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो भी चैप्टर होगा वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट था इसी के ऊपर ही क्वेश्चन होगा। तो देखो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस फंड का लगभग तीन या चार क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला है इलास्ट्रेशन 19, ठीक है, ये वाला हम लोग करेंगे, इलास्ट्रेशन 19। अच्छा अच्छा देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। रेवेन्यू अकाउंट कैसे होता है, जैसे हम लोगों ने जो मतलब लाइफ इंश्योरेंस का भी मैंने लास्ट दिन बताया था, ठीक है। इसके अलावा भी जो रेवेन्यू अकाउंट है, ये फर्स्ट दिन जब हम लोग इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट किए थे तब यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट मैंने दिखाया था, ये होता है रेवेन्यू अकाउंट। उसके बाद होता है पीएल, ये जनरल इंश्योरेंस का था। सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस के केस में उसका स्ट्रक्चर अलग होगा बट रेवेन्यू का मतलब वही होता है, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शोज द लाइफ एश्योरेंस फंड, ठीक है। लाइफ एश्योरेंस फंड क्या होता है एक बार याद दिला देते हैं। लाइफ एश्योरेंस फंड लास्ट दिन हम लोगों ने इसी से स्टार्ट किया था, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कंसेप्ट था। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि ये तीन चीज हमें पता करना पड़ेगा, बहुत ही इससे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफ फंड जो है, लाइफ एश्योरेंस फंड, ये ऐसे ये दिया हुआ रहता है नॉर्मली क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हमें कंप्यूट नहीं करना पड़ता है। लेकिन मैंने कंसेप्ट बताया था कि ये क्या है और कहाँ से आता है कैलकुलेट करके। तो ये बेसिकली पीएल स्ट्रक्चर, पीएल जो बनाता है इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो उनका जो बैलेंस बच जाता है, जैसे हम लोग का नेट प्रॉफिट सरप्लस बचता है, उसी तरह से ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला था। वैसे ये कभी भी हमें क्वेश्चन में कंप्यूट करने का जरूरत नहीं होता है, हमारे लेवल पे जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर हमें कंप्यूट करने का जरूरत नहीं होगा, ये हमेशा हमें गिवेन ही रहेगा, ठीक है। तो ये लाइफ फंड जो है इसे हम लोग लाइफ एश्योरेंस फंड बोलते हैं। कैसे कंप्यूट होता है, लास्ट ईयर का अगर कोई सरप्लस है तो वो करंट ईयर का, अगर कोई इनकम है, ऐसा कोई आइटम है जिसे हम लोग इनकम ट्रीट करेंगे, बेसिकली टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस माइनस करने से जो बच जाता है, जिसको हम लोग प्रॉफिट या एनपीओ के केस में सरप्लस बोलते हैं, यहाँ पर उसे हम लोग बोलेंगे लाइफ एश्योरेंस फंड या लाइफ फंड, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि लाइफ एश्योरेंस फंड 31 मार्च 2013, मतलब जैसे पीएल तो ईयर एंड पे ही बनता है, तो इसीलिए दे रखा है 62,21,310 बिफोर टेकिंग इनटू द फॉलोइंग आइटम्स। ये जो आइटम्स है ये कंसीडर करने के पहले का खर्चा है। अब आइटम्स में क्या क्या हो जाएंगे कैसे, ये देखो आइटम्स जो बोल रहा है ना, मतलब या तो वो एक्सपेंसेस आइटम होगा, या तो लास्ट ईयर का सरप्लस होगा, या लास्ट करेंट ईयर का कोई इनकम आइटम होगा। तो हमें बोल रहा है कि लाइफ फंड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बट कुछ एडजस्टमेंट हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है। तो उसका एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर लास्ट में बोला है व्हाट इज द लाइफ एश्योरेंस फंड, लाइफ एश्योरेंस फंड का एक्चुअली अमाउंट कितना होगा आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव ओमिशंस, मतलब ये सब छूटा हुआ है, ये सब इसमें अगर प्लस माइनस कर दे, एडजस्ट कर दे, पेन को क्या हो, ये अगर एडजस्ट कर दे, प्लस या माइनस जो भी करना है, ये एडजस्ट अगर कर देंगे तो हम लोगों को ये बताना है आफ्टर एडजस्टिंग एक्चुअली जो है लाइफ एश्योरेंस फंड कितना होगा। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें से आइटम जो है ये कौन सा एक्सपेंस हो है और कौन सा इनकम है। अगर इनकम है तो इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि प्रीवियसली एडेड नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, और एक्सपेंसेस है तो लेस हो जाएगा। बस उसके बाद हमें बताना है एड लेस करने के बाद कि आंसर कितना है, बस यही हमें करना है। तो ये एकदम छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आइटम दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस 12,000। तो
तो री इंश्योरेंस दो तरह का होता था, सीडेड और एक्सेप्टेड। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, मेन जो कंसेप्ट है वो अलग नहीं होता है, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर वगैरह अलग होता है, मैंने पहले दिन भी बोला था फॉर्म ए फॉर्म बी, ठीक है, इसके हिसाब से फॉर्म जो है वो अलग होता है, बट इसमें जो ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल जो हम लोगों का जनरल इंश्योरेंस का है वही है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लेम्स जो है ये कवर्ड है अंडर री इंश्योरेंस, मतलब क्लेम आ सकता है 12,000 का, लेकिन ये क्लेम किसे नहीं देना पड़ेगा, इस कंपनी को नहीं देना पड़ेगा जिसका हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि ये री इंश्योरेंस है, और जब री इंश्योरेंस कुछ नहीं बोलेगा, मैंने बोला था हम लोग को एज्यूम करना है सीडेट, ठीक है। सीडेट का मतलब है रिस्क ट्रांसफर किया हुआ है, ठीक है, सीडेट का मतलब है रिस्क ट्रांसफर किया है, और एक्सेप्टेड का मतलब रिस्क टेकन। तो रिस्क ट्रांसफर अगर कर दिए हैं तो क्लेम आने पे क्या क्लेम खुद को देना पड़ेगा या जिसको रिस्क ट्रांसफर किए वो क्लेम देगा? क्योंकि जिसको रिस्क ट्रांसफर किए मतलब कस्टमर ट्रांसफर किए, कस्टमर ट्रांसफर किए मतलब प्रीमियम का पैसा भी उसे भेज रहे हैं, तो क्लेम ऑकर्ड होगा तो वो भी उसे ही देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 12,000 का क्लेम बन तो सकता है इस कंपनी का, लेकिन पे इसे नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये री इंश्योरेंस सीडेट है, तो पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये माइनस होना चाहिए, ठीक है, ये माइनस होना चाहिए 12,000। नेक्स्ट बोला है बोनस यूटिलाइज्ड इन रिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। बोनस जो है बोनस दिया जाता है पॉलिसी होल्डर को लाइफ इंश्योरेंस के केस में, मैंने लास्ट दिन बताया भी था, कैश बोनस होता है, रिवर्जनरी बोनस होता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, उसके बाद मैंने बोनस का पॉइंट ही समझाया था, पॉलिसी होल्डर शेयर होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि बोनस यूटिलाइज्ड इन द इन रिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब ये रिवर्जनरी बोनस है, ठीक है। रिवर्जनरी बोनस का मतलब क्या था कि बोनस लेने का जरूरत नहीं है। एक होता है कि पॉलिसी होल्डर को कैश बोनस मिल जाता है, कैश में बोनस मिल गया, ये एक ऑप्शन रहता है, या रिवर्जनरी बोनस होता है। रिवर्जनरी बोनस का मतलब क्या होता है, जो बोनस मिलेगा वो हमें डायरेक्टली नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी, हमारे प्रीमियम के साथ उसे एडजस्ट कर देगी, इसे बोलते हैं रिवर्जनरी बोनस ऑप्शन, ठीक है। यहां पर मैंने दिखाया था कि अगर मान लो कि मेरा बोनस 40 मेरा प्रीमियम 40 रुपीज का है और बोनस 25 हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे बोले कि आप 15 रुपए का ही प्रीमियम दे दीजिए, मतलब बोनस को एडजस्ट कर दिया जाता है प्रीमियम के साथ, तो रिडक्शन हो जाता है। इसीलिए यहां पर बोला है बोनस यूटिलाइज्ड इन रिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,500, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ उसे एडजस्ट कर दिया गया है, तो 4,500 का जो है बोनस कम देना पड़ेगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटीज, शेयर सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है, मतलब इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, प्रीमियम ऑलवेज इनकम होता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जब तक री इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बोलेगा ये डायरेक्ट प्रीमियम है, तो प्रीमियम का पैसा भी मिलेगा, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लेम्स इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड, क्लेम इंटीमेटेड तो हुआ है बट एडमिटेड नहीं हुआ है, तो ये लास्ट दिन भी इस पे ही हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, क्योंकि ये प्रूडेंस बेसिस पे होता है, जब मतलब इंटीमेटेड होगा तभी हमें एज ए एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था। ये देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, एक बार याद दिला देते हैं, ये देखो मैंने इसका एक क्वेश्चन करवाया था, बीइंग प्रूडेंस बेसिस व्हेन इंटीमेटेड फाइल लॉस और एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड, जब इंटीमेशन फाइल होगा तभी हमें लॉस या एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये मेरा लास्ट दिन वाला था, और हम लोगों ने फर्स्ट दिन ये देखो इस तरह से मैंने दिखाया था, क्लेम इंटीमेटेड होगा फिर एडमिटेड होगा, लेकिन जब इंटीमेटेड होता है प्रूडेंस बेसिस पे लॉस या एक्सपेंस बोल के इसे रिकॉग्नाइज कर देना है ऑन द टाइम ऑफ इंटीमेशन फाइल, ठीक है। तो इसका मतलब क्लेम अगर इंटीमेटेड हुआ है, एडमिटेड हुआ कि नहीं हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये एक्सपेंस बन जाता है या लॉस जो भी माने, तो ये अगर एक्सपेंस बन जाता है तो ये हम लोगों का इनकम को कम करेगा, मतलब ये सरप्लस ज्यादा दिख रहा है, बेसिकली ये क्या है, ये हम लोगों का नेट प्रॉफिट है, नाम नेट प्रॉफिट नहीं बोला जाता है, नाम होता है लाइफ एश्योरेंस फंड, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पढ़ रहे हैं तो सबका टर्म अलग अलग होता है, जैसे एनपीओ में सरप्लस बोलते हैं, नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते, उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी के केस में, लाइफ इंश्योरेंस के केस में लाइफ एश्योरेंस फंड बोलते हैं, तो जो सरप्लस है वो गलत दिख रहा है क्योंकि उसमें ये सब एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें ये सारा एडजस्टमेंट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, देखो कैसे करके लिखना पड़ेगा, सिंपल है बहुत ही क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें से सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आता है, इलस्ट्रेशन 90, ये सब 5 मार्क्स का ही चैप्टर है, बहुत ही छोटा छोटा ही क्वेश्चन आता है, इसमें कोई लेंदी क्वेश्चन आ नहीं सकता, तीनों में ही, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे बैंकिंग कंपनी हो, तो
इलस्ट्रेशन 19, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस, ऊपर लिख देते हैं स्टेटमेंट शोइंग लाइफ एश्योरेंस फंड, स्टेटमेंट शोइंग लाइफ एश्योरेंस फंड। तो सबसे पहला आइटम क्या है, सबसे पहला हम लोग को लिखना चाहिए कि कितना हम लोग का सरप्लस है, उसमें प्लस माइनस होगा, तो सरप्लस तो नहीं बोलते, इसे हम लोग बोलते हैं फंड, लाइफ एश्योरेंस फंड। तो लाइफ एश्योरेंस फंड एज ऑन 31st of March 2013, 62 lakh, ऐसा कुछ है, 62 lakh 21,310। अच्छा, अब इसमें ऐड या लेस कुछ हो सकता है, तो देखते हैं क्या क्या ऐड लेस होगा। तो ऐड में कौन कौन सा आइटम हम लोगों ने देखा, ऐड मतलब जो इनकम है वही ऐड होगा। तो इनकम में हम लोग का क्या आया था, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटीज, ये दो ही इनकम था, बाकी सब तो एक्सपेंस था। ये तो देखने से ही पता चल रहा है, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग का इनकम कम है ना, तो ये एडजस्ट होना चाहिए था, हम लोगों ने किया नहीं, तो इसे ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटीज, शेयर सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट एक्रूड है, तो ये भी इनकम हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, तो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम 5,410 और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है यहाँ पर कहा गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है 8,260। अच्छा, उसके बाद लेस होगा, लेस में सबसे पहले आ जाएगा क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस। हम लोगों ने अगर री इंश्योरेंस कर रखा है, मतलब वो सीडेड है, तो क्लेम भी उसी को देना पड़ेगा जिसने रिस्क लिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा क्लेम अमाउंट कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस कम हो जाएगा, तो क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस ऐसे लिख देते, क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस 12,000। अच्छा, इसके बाद बोनस यूटिलाइज्ड इन रिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बोनस को मतलब रिवर्जनरी बोनस पे किया गया है, तो बोनस जो है वो 4,500 ये लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, और क्या था, और ये आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, ये हो गया क्लेम इनिशिएट इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड, ये हमेशा एक्सपेंस होगा, क्लेम इंटीमेटेड क्योंकि प्रूडेंस बेसिस पे रिकॉर्ड होता है बट नॉट एडमिटेड। अच्छा, अब एडजस्ट करके देखते कितना होगा, 8,260, 5,410 - 12,000 - 4,500 - 26,500, तो नेगेटिव 29,330 आ रहा है। तो एडजस्ट करने के बाद 62,21,310, तो एडजस्ट करने के बाद आ रहा है 61,91,980, लेकिन यहाँ तो आंसर कुछ और ही दे रहा है, क्या गलत हो गया, 8,260,5,410, 8,260,5,410। थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी
माइनस 12,000, माइनस 4,500, माइनस 26,500, 29,330 नेगेटिव, प्लस 62, 21,310, ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड, 4,500, और क्लेम आउटस्टैंडिंग इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड, ये हो गया 26,500. ये एक्सपेंसेस है कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस. ओ अच्छा, ये री इंश्योरेंस है, एडजस्ट भी तो होगा. अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने एक एडजस्टमेंट और भी नहीं किया, इसीलिए ये इन दोनों में भी एडजस्टमेंट होगा. क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड, टोटल क्लेम जो इंटीमेटेड मतलब अभी तक किया गया है वो 26,500, और क्लेम्स कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, क्लेम्स मतलब टोटल क्लेम में इतना री इंश्योरेंस क्लेम था, तो 26,500 टोटल क्लेम जनरेट तो हुआ है, लेकिन उसमें से जो रिस्क ट्रांसफर हो गया था 12,000 हमें पे नहीं करना पड़ेगा, तो 12,000 हम लोगों का लेस हो जाएगा, जैसे कि मैंने कंसेप्ट बोला था, लेकिन यहाँ पर इससे माइनस नहीं करके दिखाया, तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यही टोटल क्लेम्स है, ये क्लेम्स बोल रखा है ना, क्लेम्स टोटल इंटीमेटेड हुआ है 26,500, उसमें से 12,000 रीइंश्योरेंस किया हुआ है, तो माइनस करना पड़ेगा, वो मैंने नहीं दिखाया, तो ठीक है 26,500 और यहां से 12,000 माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएं, यहां पर इसके नीचे लिखना पड़ेगा. इसके नीचे लिख देते हैं क्लेम्स कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, माइनस होगा तो इसे माइनस करके भी दिखाना पड़ेगा 12,000, तो इससे ये माइनस हो जाएगा, तो 4,500 जो है ये नेगेटिव इधर आ जाएगा बाहर. ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, ये दोनों का टोटल कर लेते हैं, 8,260 प्लस 5,410, तो ये टोटल हो गया 13,670, 13,670, और यहाँ पर माइनस करने से ये बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम ये था 4,500, तो ये माइनस लिख देते इधर 4,500, और इन दोनों में एडजस्ट होके जितना होगा वो लिख देते 26,500 माइनस 12,000, तो ये पॉजिटिव आ रहा है 14,500. ठीक है, ये पॉजिटिव 14,500 आ रहा है, तो टोटल करने पे 62,21,310, उसमें ऐड हो जाएगा 13,670, फिर लेस हो जाएगा 4,500. ठीक है, और ये एडजस्ट करके जो आएगा वो भी लेस ही होगा, तो माइनस हो जाएगा 14,500, तो इसका मतलब 62,15,980 हो जाएगा. ओवरऑल ये सब एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस का अमाउंट रिड्यूस हो जा रहा है. ठीक है, जैसे प्रीमियम का बोनस से एडजस्ट होकर रिड्यूस हुआ है, वो एडजस्ट करके उन्होंने दे दिया है 4,500, और ये क्लेम टोटल 26,500 हो रहा है, जिसमें से री इंश्योरेंस क्लेम 12,000 का था, जो इस कंपनी को नहीं पे करना पड़ेगा, वो जो रिस्क ले रही है इसके बिहाफ में वो पे करेगी, तो टोटल के क्लेम से 12,000 का क्लेम इसका रिड्यूस हो जाएगा, तो ओवरऑल क्लेम का खर्चा 14,500 क्योंकि एक्सपेंस है तो माइनस होगा, और बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम वो भी एक्सपेंस है तो माइनस होगा 4,500. बस मैंने यहाँ पर ये दोनों ही अलग अलग माइनस कर दिया था, तो दो बार 12,000 माइनस हो जा रहा है क्योंकि इसमें 12,000 इंक्लूडेड है, इसी वजह से ज्यादा अमाउंट जो है रिड्यूस दिख रहा था, 62,15,980 के जगह 61,000 ऐसा कुछ दिख रहा था, मतलब 12,000 बेसिकली मैंने यहाँ से और भी माइनस कर दिया था, इस हिसाब से गलत दिख रहा था, तो ये बस यहाँ पर जस्ट एडजस्ट करके मैं बताना ही था इनकम और एक्सपेंसेस को. ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 20 करेंगे, तो इसमें क्या बोला है देखो, द लाइफ इंश्योरेंस फंड ऑफ प्रकाश लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वॉज 34 लाख. लाइफ इंश्योरेंस फंड, अभी मैंने बताया लाइफ इंश्योरेंस या एश्योरेंस एक ही बात है. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस को एश्योरेंस बोला जाता है, तो लाइफ इंश्योरेंस फंड जो है वो है 34 लाख, कब है, 31 मार्च 2013 का. इट एक्चुअल वैल्यूएशन ऑन 31 मार्च 2013 डिस्क्लोज्ड ए नेट लायबिलिटी ऑफ 28,80,000. तो ये एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है, ये भी मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में.
ये देखो, जब फर्स्ट हम लोग का बनता है यहाँ पर लाइफ एश्योरेंस के केस में, फर्स्ट हमें सीखना पड़ता है वैल्यूएशन बैलेंस शीट, ठीक है। तो वो बताने के लिए मैंने पहले ये भी बताया था कि पीएल बनाते हैं, वहां से लाइफ फंड बनता है, लाइफ फंड बैलेंस शीट में लिखा जाता है। ये बैलेंस शीट एक्चुरियल बनाते हैं, एक्चुरियल मतलब एक्चुरी जो होते हैं, ठीक है, वो वैल्यूएशन का काम करते हैं, जो कि काफी टफ है। मतलब किसी भी चीज का वैल्यूएशन करना है, सबसे टफ ये होता है कि कब किसका डेथ होगा, वो उस हिसाब से कंपनी को ये बताना, कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ये इंटीमेट करना कि कितना आपका लाइबिलिटी इस साल ऑकर हो सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कोई कितने पॉलिसी होल्डर का डेथ होगा, कितने सारे पॉलिसी होल्डर का डेथ नहीं होगा। फिर भी वो अपने कैलकुलेशन से जो टेक्निक यूज करके वो बताते हैं कि नेट लाइबिलिटी अप्रोक्सीमेटली कितना हो सकता है, ठीक है। तो ये नेट लाइबिलिटी का वैल्यूएशन एक्चुरियल करते हैं। और वैल्यूअर बैलेंस शीट कैसे बनता है, लाइफ फंड यहाँ लिखा जाता है, इधर नेट लाइबिलिटी लिखा जाता है, जो कि एक्चुरियल कैलकुलेट करके बताते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है सरप्लस, ठीक है। तो ये चीज फिर से मैंने एक बार बता दिया कि लाइफ एश्योरेंस फंड इतना है, और एक्चुरियल बैलेंस शीट जो बनाया है एक्चुरी ने, उसके हिसाब से नेट लाइबिलिटी है 28,80,000। तो ये तीन ही आइटम होता है बैलेंस शीट, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का बैलेंस शीट में जस्ट ये थ्री आइटम्स ही हमेशा होगा, नेट लाइबिलिटी, लाइफ फंड, और दोनों के बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर बोल के सरप्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सरप्लस निकाल सकते हैं इससे। एन इंटरिम बोनस ऑफ 40,000 वाज पेड टू द पॉलिसी होल्डर, क्योंकि पॉलिसी होल्डर को मिलता है बोनस, और जो क्या बोलते हैं उसे, शेयर होल्डर है, उन्हें मिलता है डिविडेंड, ठीक है। ये इंटरिम बोनस होगा एक्चुअली, ठीक है, इंटरिम बोनस होगा। तो मैंने बोला भी था इसको डिविडेंड से रादर देन इसे बोनस बोला जाता है, डिविडेंड शेयर होल्डर के केस में बोला जाता है, क्योंकि इनका जो सरप्लस है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनके शेयर होल्डर को और इनके पॉलिसी होल्डर को, ठीक है। तो इंटरिम बोनस 40,000 वाज पेड टू द पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 ईयर, 2 साल में इन लोगों ने 40,000 बोनस दिया है। इट इज नाउ प्रोपोज टू कैरी फॉरवर्ड 1,10,000 एंड टू डिवाइड द बैलेंस बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड शेयर होल्डर। बोल रहा है कि पॉलिसी होल्डर और शेयर होल्डर को कितना कितना मिलेगा वो बताओ, डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, ठीक है। तो उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस पता करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल जो सरप्लस है वही पॉलिसी होल्डर और शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैंने यहाँ पर दिखाया था, तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। पहला दिखाने बोला है वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाओ, जो कि तीन आइटम से बन जाएगा। दूसरा बोल रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर पीरियड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। ये तीन चीज हमें बोला है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वैल्यूएशन बैलेंस शीट, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 20, इलस्ट्रेशन 20, इन द बुक्स ऑफ प्रकाश लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वैल्यूएशन बैलेंस शीट। इसको बोला ही जाता है, इसका पूरा नाम ही है वैल्यूएशन बैलेंस शीट, क्योंकि एसेट लाइबिलिटी लिख के डायरेक्टली नहीं हो पाता है, ठीक है। वैल्यूएशन बैलेंस शीट एज ऑन डेट क्या है, एज ऑन 31st of March 2013। तो तीन ही आइटम होगा, ज्यादा कुछ भी नहीं होगा इसमें। सेम लिखेंगे लाइबिलिटी, स्ट्रक्चर एक ही जैसा होगा, जैसे नॉर्मली बाकी सब में हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। इधर एसेट हो गया रुपीस रुपीस, तो यहाँ पर होगा नेट लाइबिलिटी, हमें कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्टली ये हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आएगा सरप्लस, यहाँ पर हो जाएगा लाइफ एश्योरेंस फंड, फिक्स्ड ये ही रहता है और कुछ इसमें नहीं होगा। बस देख के हम लोग को डिटेल्स जो है वो लिख लेना है। लाइफ एश्योरेंस फंड का वैल्यू है 34 लाख और ये है 28,80,000। -28,80,000, 5,20,000।
34 लाख। बस पहला आंसर आ गया कि सरप्लस कितना होगा या फिर वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। सो द वैल्यूएशन बैलेंस शीट, उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर पीरियड, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट बी, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर पीरियड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये वाला, इसलिए मैंने पीडीएफ जो है ओपन रखा है, ये वाला देखो, ये जैम बोर्ड, यहाँ पर मैंने दिखाया था नेट प्रॉफिट कौन सा होगा। देखो नेट प्रॉफिट कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, सरप्लस मतलब यहाँ पर नेट प्रॉफिट है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है ये तो हम लोग वैल्यूअर बैलेंस शीट से निकाल लेंगे। अब हम लोग को पूरा कैलकुलेट करके ये बताना है कि नेट प्रॉफिट कितना होगा। ये देखो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, मतलब नेट प्रॉफिट के पहले का पार्ट। ये देखो नेट प्रॉफिट कहाँ, तो मैंने लिखा था कहाँ गया नेट प्रॉफिट, सरप्लस एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट इंटरिम बोनस ऐड कर देता है, करने से हम लोग को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। हाँ यहाँ पर नेट प्रॉफिट मिलेगा, ये देखो मैंने लिखा तो नहीं था, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, देख लेते हैं यहाँ पर जरूर होगा, देख लेते हैं यहाँ इन्होंने बनाया है। नहीं बनाए, ठीक है नहीं बनाए, यहाँ पर स्ट्रक्चर बेसिस पे तो नहीं बनाए, यहाँ पर जस्ट लाइन वाइज लिख दिया है, स्ट्रक्चर बेसिस पे नहीं बनाया है, सिर्फ वैल्यूएशन बैलेंस शीट यहाँ पर दिखा रखा है, ये रहा नेट लायबिलिटी, ये ठीक है, यहाँ पर बस बोला है, ठीक है यहाँ पर प्रेजेंटेशन उस तरह से किया नहीं, ठीक है हम लोग अपना प्रेजेंटेशन यहाँ से देख लेते हैं। देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नेट प्रॉफिट क्या है, सरप्लस एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट जितना होगा, ठीक है, अगर उसमें हम लोग इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम जो बोनस है, एक्चुअली ये बोनस ही होगा, ठीक है, इसको डिविडेंड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर के लिए यूज होता है, ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था कि डिविडेंड को ब्रैकेट कर लो, ये एक्चुअली बोनस है, इंटरिम बोनस जो पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है, ये ऐड कर लेने से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली नेट प्रॉफिट क्या है। इसका कंसेप्ट भी मैंने बोला था, नेट प्रॉफिट को ऐड क्यों किया जाएगा, क्योंकि सॉरी इंटरिम बोनस को ऐड क्यों किया जाएगा, क्योंकि जब हम लोग एक्सपेंसेस पीएल में लिख रहे होंगे तब हम लोगों ने इंटरिम बोनस भी लिखा होगा, तो ये तो ऑलरेडी एक बार लेस हो चुका होगा, फिर से इसे ऐड क्यों करते हैं, उसका कंसेप्ट भी मैंने यहाँ पर बताया था कि क्यों हम लोग ऐड करते हैं फिर यहाँ पर आके लेस करते हैं, ठीक है। ये देखो ये कंसेप्ट मैंने बताया था क्यों हम लोग ऐड या लेस करते हैं, ठीक है, ये शायद मैंने अरब कर दिया था लिखने के बाद, जो भी हो तो एक बार अगर देखोगे क्लास, अगर देखा हुआ है तो भी समझ में आ जाएगा, ये रहा क्यों हम लोग ऐड या लेस करते हैं, ये रहा ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही तरीके से हो, ठीक है। इंटरिम बोनस जो है ये ऐड हो जाएगा पहले, ऑलरेडी एक बार लेस हो चुका है पीएल में जब हम लोग लिख रहे हैं, बट उसके बाद इसीलिए ऐड करते, ये पता करने के लिए कि अगर हम लोग किसी भी पॉलिसी होल्डर को बोनस नहीं देते तो हम लोग का एक्चुअली नेट प्रॉफिट कितना था, इसको पता करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं, और उसके बाद लेस फिर से क्यों करते हैं, क्योंकि जब पॉलिसी होल्डर को बोनस देंगे तो ये देख लेंगे कि पहले उनको कितना बोनस दिया गया था, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा सही हो, ठीक है। तो इस पैटर्न को ही हमें फॉलो करके करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सरप्लस, ठीक है, मतलब सरप्लस एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट, ये पहले लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, सरप्लस एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट, जो कि कैलकुलेट होके आया है 5,20,000। फिर ऐड करेंगे इंटरिम बोनस, इंटरिम बोनस जो ऑलरेडी पेड है, इंटरिम बोनस, तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखो दे रखा है एन इंटरिम बोनस ऑफ 40,000 वाज पेड टू द पॉलिसी होल्डर, ठीक है, तो 40,000 पे किया था, तो अगर नहीं करते तो हम लोग का टोटल जो प्रॉफिट होता उसे ही हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट, जो हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है नेट प्रॉफिट, तो 5,60,000 ये हो जाएगा
नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या बोला है, बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट फॉर द टू ईयर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, पॉइंट सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का कैसे होगा, उसके लिए फिर से ये वाला हमें पॉइंट देखना चाहिए। तो यहां तक जब हम लोग ऐड करेंगे, चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, यहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर इसमें कोई एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने प्रीवियसली किसी वजह से लेस नहीं किया हुआ है, मतलब यहां पर तो एक्सपेंसेस लेस होगा, प्रीवियसली अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हम लोगों ने नहीं लेस किया है या अभी करना चाहते हैं तो कर लेंगे ताकि नेट प्रॉफिट सही हो जाए, और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट में अगर डिक्लाइन हुआ है, उसकी वजह से लॉस हुआ है, ऐसा अगर है तो हम लोग उसे लेस कर देंगे एज अ लॉस बता के। ये भी मैंने बताया था कि डिक्लाइन इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे मान लो कि हम कंपनी ने जो कि मतलब फाइनेंशियल कंपनियां जो होती है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, तो मान लो किसी ने अगर 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, और मान लो 4 लाख या 4 करोड़ भी बोल सकते, ठीक है 4 लाख का ही मानते, 40 लाख का मानते, 40 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है जिसका वैल्यू 30 लाख हो गया है, तो 10 लाख का जो रिडक्शन हुआ है, अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये लग रहा है कि ये जो रिडक्शन है ये अभी काफी टाइम तक चलेगा, एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर तो चलेगा ही, तो इसका जो लॉस है इसको यहाँ पर एज ए प्रोविजन की तरह यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसकी वजह से वैल्यूएशन कम होगा। जबकि ये पॉइंट पे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, नहीं आता है, ये एक्सपेंसेस का भी नहीं होता है, मेनली बस ये दो जो पॉइंट है ये डिस्कस होता है, ठीक है, और प्रोपोज डिविडेंड कभी कभी रहता है, और ये 3 पॉइंट उतना रहता ही नहीं है, बस ये लेस जो कैरी फॉरवर्ड वाला है ये कभी कभी रहता है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड मतलब सरप्लस का कुछ हिस्सा जो हम लोग एज ए रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व बनाते हैं प्रॉफिट से, उसी तरह से अगर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं सरप्लस का कोई हिस्सा, तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड दिखा सकते हैं कि इतना करना चाहते हैं, तो बाकी जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस हो जाएगा, वही चीज यहाँ पर हमें करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट जो आया, नेट प्रॉफिट हम लोग का कैलकुलेट करके आया है 5,60,000। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें माइनस कर देना है अगर ऐसा कोई एक्सपेंसेस है जो हम लोगों ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है, करना था जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया, या फिर ऐसा कोई मतलब लॉसेस हुआ है इन्वेस्टमेंट के वजह से, डिक्लाइन हो गया वैल्यू, तो उसका प्रोविजन, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ अगर प्रोपोज डिविडेंड है उसका भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक कैरी फॉरवर्ड का है कि 1,10,000 कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पर लेस कर देंगे अमाउंट प्रोपोज्ड टू बी कैरी फॉरवर्ड, मतलब इतना रिजर्व क्रिएट करना चाहते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इतना रिजर्व क्रिएट करना चाहते हैं, तो 1,10,000, तो 5,60,000 माइनस 1,10,000, 4,50,000, ठीक है, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। ये देखो ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा था, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस यही लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। अब कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो भी दिखा देते हैं, क्या बोला था मैंने, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस पॉलिसी होल्डर को जाएगा, शेयर होल्डर को, पॉलिसी होल्डर को टोटल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस का 95% जाता है और शेयर होल्डर को 5% जाता है, लेकिन टोटल ड्यू कैसे दिखाएंगे, इंटरिम बोनस जो ऑलरेडी पेड किया हुआ है उसे लेस करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस हो गया, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि कितना मिलेगा हम लोगों के शेयर होल्डर को, हम यहाँ पर दिखाते हैं शेयर ऑफ अच्छा हमें क्या बोला है, सिर्फ पॉलिसी होल्डर को बोला है, नहीं डिस्ट्रीब्यूट दिखाने के लिए बोला है, दोनों का ही दिखाना पड़ेगा, शेयर ऑफ पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर को मिलेगा एट द रेट ऑफ 95%, इसका 4,50,000 का 95%, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस होगा उसका 95%, यानी 4,27,500, ये रेट है हमें याद रखना पड़ेगा, ये फिक्स्ड रेट है, ठीक है, और लेस कर देंगे अगर पहले से कोई बोनस दे रखा है, क्योंकि इनको जो मिलता है उसका नाम बोनस ही होता है, तो इंटरिम बोनस ऑलरेडी पेड अगर कुछ है तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जो कि 40,000 था, ठीक है 40,000 लेस हो जाएगा, तो यहाँ से 40,000 लेस, तो बच्चा 3,87,500 ये हो जाएगा स्टील ड्यू अमाउंट, स्टील ड्यू टू पॉलिसी होल्डर, ठीक है ये पॉलिसी होल्डर के लिए हो गया, और शेयर ऑफ शेयर होल्डर, शेयर ऑफ शेयर होल्डर ये कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस का 5% एट द रेट ऑफ 5%, और डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस का मतलब ये अमाउंट का, इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है 5% ऑफ ए, तो 4,50,000 का 5%,
22,500, ठीक है 22,500, ये मैंने बताया था यहाँ पर, ये देखो ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि किस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बस इतना ही कैलकुलेट करने बोला था। मैम एक बार और दिखा। अच्छा कौन सा ये वाला? हाँ हो गया। हो गया ना? हाँ अच्छा नाउ 21 नंबर देखो, 21 जो है इसमें पूरा कंसेप्ट है, पूरा जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था सारा चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ वेल लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर ए वैल्यूएशन बैलेंस शीट। सबसे पहले वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाना है जिसमें तीन ही आइटम आएगा, लाइफ एश्योरेंस फंड, नेट लाइबिलिटी और दोनों को बैलेंस करके सरप्लस, एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। यहाँ पर जर्नल एंट्री भी बोला है टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन विद नरेशन। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड ऑन 1/4/13 मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ ओपनिंग लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस है, इंटरिम बोनस पेड इन द वैल्यूएशन पीरियड इतना, ये सब इन लाख है। बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 240। अब ये रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस मतलब क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में ये वाला चीज समझाया था जबकि ये जरूरत भी नहीं है, ये रेवेन्यू अकाउंट है, पीएल मतलब ही रेवेन्यू अकाउंट, तो रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस मतलब ही लाइफ एश्योरेंस फंड, ये पता होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है इसीलिए ताकि लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। तो बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट मतलब लाइफ एश्योरेंस फंड का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ये मतलब 1,67.15 से ये 240.00 में पहुंच चुका है, मतलब पूरे एक साल में लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस स्टार्ट हुआ था 1,67.15, अभी इसका बैलेंस इतना है। नेट लाइबिलिटी बोला है कि वैल्यूअर सर्टिफिकेट के हिसाब से मतलब जो एक्चुरियल है उन्होंने, जो एक्चुरी है उन्होंने जब वैल्यू किया, वैल्यू करके बताया कितना है, ये क्लोजिंग डेट पे बताया और ये क्लोजिंग डेट पे लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस है, मतलब ये दोनों को यूज करके ही हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि बैलेंस शीट तो क्लोजिंग डेट पे बनता है, और वैसे भी ये 240 में तो ये इंक्लूडेड होगा क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तब लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस इतना था, उसके बाद एक्सपेंसेस लेस हुआ होगा, इनकम वगैरह ऐड हुआ होगा, फिर बैलेंस करके ये आया होगा रेवेन्यू अकाउंट में 240, जो कि इस साल के लिए एप्लीकेबल होगा जब का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है तो ये दोनों यूज करेंगे तो वैल्यूअर बैलेंस शीट बन जाएगा जहां से हमें सरप्लस मिल जाएगा, फिर उस सरप्लस को यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। द कंपनी डिक्लेयर्स ए रिविजनरी बोनस, मैंने बोला था ना रिविजनरी बोनस लास्ट क्लास में ही बोला था, मतलब डायरेक्ट पैसा ना लेके उसको प्रीमियम के साथ एडजस्ट करना, और इसको रेशियो में बताया जाता है, जस्ट लाइक हम लोग जैसे बोनस कर रहे थे, बोनस का जब कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग जो सैटरडे जो क्लास होता है वहां पर बोनस का कैलकुलेशन कैसे कर रहे थे हम लोग कि इतने में इतना बोनस मिलेगा, 5 शेयर होल्ड कर रहे तो 1 मिलेगा, जस्ट लाइक दैट कि 185 per 1000, अगर किसी के पास 1000 रुपीज का पॉलिसी है तो उसे 185 रुपीज का रिविजनरी बोनस मिलेगा। रिविजनरी बोनस का मतलब है डायरेक्ट 185 नहीं मिलेगा, उनके प्रीमियम अमाउंट जो भी होगा वहां से 185 रिड्यूस कर दिया जाएगा, एंड गेव द पॉलिसी होल्डर एन ऑप्शन टू टेक बोनस इन कैश 105 per 1000, और जो कैश बोनस का रेशियो है वो है 1000 रुपीज का किसी ने अगर पॉलिसी कर रखा है तो उसे 105 रुपए का बोनस मिलेगा। टोटल बिजनेस कंडक्टेड बाय द कंपनी वाज 600 लाख, टोटल बिजनेस मतलब कंपनी का नेट ओर्थ है 600 लाख, ये भी मैंने बताया था, शायद एक 300 करोड़ ऐसा कुछ एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था कि ये बोनस डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर कि ये टोटल अगर ये देखो 500 करोड़ मैंने बोला था टोटल पॉलिसी जो है, ठीक है, और कंपनी का नेट वर्थ क्या है उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, तभी ये क्वेश्चन देखने से भी समझ में आ जाएगा। द कंपनी इशूड प्रॉफिट पॉलिसी ओनली 3/5 ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन वैल्यू ऑप्टेड फॉर कैश बोनस। अच्छा क्या बोला, अरे भाई पढ़ लेते हैं, द कंपनी इशूड प्रॉफिट पॉलिसी ओनली, अच्छा कंपनी जो है वो प्रॉफिट पॉलिसी इशू कर रही है 3/5 ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन वैल्यू ऑप्टेड फॉर कैश बोनस। अच्छा कैश बोनस के लिए 3/5 पॉलिसी होल्डर को ही ऑप्शन दिया गया है, तो 3/5 अगर कैश लेगा तो बाकी जो है बाकी बचा कितना, बाकी बच रहा है 2/5, तो 2/5 जो है उनको रिविजनरी बोनस दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कितने परसेंट लोगों को कैश बोनस दिया जाएगा, कितने परसेंट लोगों को रिविजनरी बोनस दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को ये सारा कैलकुलेट करके इसका जो है जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा, तो सबसे पहले वैल्यूएशन बैलेंस शीट वो जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा तो यहां पर सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं, इलास्ट्रेशन 21। इन द बुक्स ऑफ वेल एश्योरेंस कंपनी, वेल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यहां पर लिख लेते हैं वैल्यूएशन बैलेंस शीट, एज ऑन 31st of March 2014, लाइबिलिटी एसेट्स, तो लाइबिलिटी में नेट लाइबिलिटी होगा। पॉइंट तो हमें याद है, ये फिक्स होता है हमेशा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। यहाँ पर लाइफ एश्योरेंस फंड होगा, और यहाँ सरप्लस आ जाएगा बैलेंस करके। तो लाइफ एश्योरेंस फंड है, ये वाला लेना पड़ेगा, ये रेंड वाला, जिसमें ये 167.15 इंक्लूडेड होगा, 240 लाख, ठीक है। तो 240 लाख, यानी हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, 240 और लाख, मतलब 50, 240 लाख। हमेशा सरप्लस हो ऐसा जरूरी नहीं है, डेफिसिट भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली सरप्लस का ही क्वेश्चन रहता है। नेट लाइबिलिटी जो है 165 लाख, 165 लाख, तो 240 माइनस 165, 75 लाख। ये हो गया सरप्लस, तो हो गया पहला वैल्यूएशन बैलेंस शीट निकल के। अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल। मैम ये जो सरप्लस आता है, और मतलब इसमें हर लायबिलिटी लेस किया रहता है, मतलब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ये सब भी। हाँ, ये तो इसमें मिल जाता है ना, जैसे नेट प्रॉफिट होता है। ये लाइफ एश्योरेंस फंड कहाँ से आता है? ये पीएल से आता है। लाइफ एश्योरेंस फंड यहाँ से आता है ना, ये देखो पीएल से आता है, तो पीएल में तो हमारा सारा खर्चा लेस हो गया, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर नेट लाइबिलिटी कितना है, वो जो एक्चुरियल होते हैं वो कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो ये मेरा लाइबिलिटी, ये मेरा एसेट जो बचा। जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट में क्या होता है, इधर एसेट है, ठीक है, इधर टोटल लाइबिलिटी का दो पार्ट होता है, एक होता है आउटसाइडर लाइबिलिटी, एक होता है कैपिटल, है ना। और कैपिटल में हम लोग का नेट प्रॉफिट ऐड होता है, तो एक्चुअली हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो ये कैपिटल और आउटसाइड लाइबिलिटी मिला के नेट लाइबिलिटी, ठीक है। और जो बैलेंस सरप्लस आ रहा है, वही हम लोग मानेंगे कि वो हम लोगों का नेट प्रॉफिट आ रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो इसमें हम लोग का सारा लेस कब हो जा रहा है, यहाँ पर ही लेस हो जा रहा है, वो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह जो बोल रहे हो, वो सारा चीज यहाँ पर लेस हो जा रहा है, तभी तो लाइफ फंड आ रहा है। मतलब ये तो नेट प्रॉफिट की तरह ही हो गया ना। अब यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बोल के इसको फंड बोला जाता है, और ये फंड जो है यहाँ से इसको लाइबिलिटी से लेस कर देते हैं, तो फंड का जो बचा पैसा रह गया, वही हम लोग का एक्स्ट्रा सरप्लस। आया समझ में? हाँ मैम। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का सरप्लस, ठीक है। ये सरप्लस कौन सा है, ये हम लोग का जो सरप्लस है, ये नेट लाइबिलिटी, मतलब जो लाइबिलिटी है, जो भी आउटसाइडर को पे वगैरह, कैपिटल वगैरह सब, ये टोटल करके वो लोग ही बताएंगे। और लाइफ एश्योरेंस फंड यहाँ, ये मतलब क्या, ये हम लोग का फंड है टोटल, इतना हमारे पास है पैसा, और इससे हम लोग ये लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। तो बचा हुआ ये है जो हम लोग अपने शेयर होल्डर और पॉलिसी होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले अगर कुछ लेस करना है तो हमें करना पड़ेगा, जैसे कि कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने पहले पीएल में चार्ज नहीं किया, या ऐसा कोई प्रोविजन जो हम लोगों को क्रिएट करना चाहिए था इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन डिक्लाइन करने के लिए, जो हम लोगों ने नहीं किया, या फिर कोई प्रोपोज डिविडेंड है वो लिस्ट करना पड़ेगा अगर है ऐसा, और ऐड करना पड़ेगा अगर कोई बोनस हम लोगों ने पहले ही पॉलिसी होल्डर को पे कर रखा है, तो वो ऐड करेंगे, ताकि हम लोग दो दो बार उन्हें पेमेंट ना करते, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस।
अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखना चाहिए हम लोग को, ठीक है? तो पहले लिखेंगे, ये सरप्लस ही लिख देते हैं, ये जैसे मैंने लिखवाया वैसे ही लिखते हैं। देखो, सरप्लस एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट, सरप्लस एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट 75 लाख। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर किसी भी तरह का इंटरिम बोनस जो हम लोगों ने पहले दे रखा है वो ऐड करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, इंटरिम बोनस पेड ये दे रखा है 25 लाख, तो ये ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड करते इसीलिए हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि एक्चुअली हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना था, ठीक है? तो यहाँ पर इंटरिम बोनस पेड 25 लाख, क्योंकि जब हम लोग पीएल बनाते हैं तब ये खर्चा दिखा चुके हैं, लेकिन लास्ट में हम लोग ये चेक करते हैं कि पॉलिसी होल्डर शेयर होल्डर को कितना पे करे। तो पॉलिसी होल्डर को अगर पहले ही बोनस दे चुके हैं तो हमें ये चेक करना चाहिए कि अगर हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते तो हम लोग का टोटल कितना नेट प्रॉफिट होता, और अभी डिस्ट्रीब्यूट करते तो कितना मिलता, ठीक है? तो ये हम लोग ऐड कर देते हैं, ये मानते हुए कि हम लोगों ने कुछ भी अभी तक पेमेंट नहीं किया है, और अगर नहीं किया होता तो कितना हम लोग का टोटल होता, तो ये कुछ 100 लाख आ गया, ठीक है? इसे हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट, बोल सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने किसी भी तरह का कोई प्रोपोज डिविडेंड कर रखा है या फिर किसी तरह का एक्सपेंसेस वगैरह है तो वो हम लोगों को लेस करना पड़ेगा, जो कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने पहले भी बोला, ये पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ही लिखवा है, ये मतलब जो इंटर के लिए जो है एप्लीकेबल है भी नहीं। ये जो 3 पॉइंट है ना, ये हम बार बार बोल रहे हैं, ये 3 पॉइंट नॉर्मली देख सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में नहीं आता है। कैरी फॉरवर्ड वाला जरूर आता है, ठीक है? कैरी फॉरवर्ड अभी देखा भी था, कैरी फॉरवर्ड वाला तो ये मैंने कभी नहीं देखा कि इंटर में आया हुआ है, ठीक है? तो कैरी फॉरवर्ड वाला आएगा तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन किया भी था। तो ये तो यहाँ पर ही कंप्लीट, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस हो गया, ये पॉइंट नहीं हम लोगों के पास, ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो हमें पे करना था हम लोगों ने नहीं किया या चार्ज करेंगे तो लेस करना पड़ेगा, ऐसा कोई एक्सपेंसेस नहीं है। प्रोविजन फॉर लॉसेस लाइक डिक्लाइन इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रोपोज डिविडेंड भी इस क्वेश्चन में नहीं है, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस ये नेट प्रॉफिट ही हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। अब ये सरप्लस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये इसका 95% चल जाता है पॉलिसी होल्डर को। ये देखो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, पॉलिसी होल्डर को 95%, शेयर होल्डर को 5%। लेकिन पॉलिसी होल्डर को क्योंकि पहले से अगर हम लोग कुछ दे रखे हैं जिसको हम लोगों ने माइनस किया था, लेकिन सही कैलकुलेशन के लिए फिर से प्लस किया, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, उसे लेस कर देंगे। तो पता चल जाएगा कि हम लोगों को एक्चुअली उनको देना कितना है, उसका भी कंसेप्ट मैंने लास्ट क्लास में यहाँ पर बताया था। ये देखो कि मान लो कि 50-50% है पॉलिसी होल्डर का जो अमाउंट है, ए को पहले 10 लाख बोनस दिया गया था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पहले, ठीक है? और प्रॉफिट था टोटल कंपनी का 50 लाख, तो 50 लाख का आधा आधा यानी दोनों को 25-25 मिलना चाहिए। तो हम लोग अगर ये मतलब टोटल प्रॉफिट हुआ था 60 लाख, उसमें से अगर ए को हम लोगों ने 10 लाख दे दिया, बचा 50 लाख, 50 लाख दोनों में 25-25 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ए को अगर हम लोगों ने पहले से ही 10 लाख दे रखा था तो उस केस में हम लोग का कितना हो जाएगा, 35 लाख हो जाएगा। यहाँ पर शायद मैंने टोटली 50 लाख मान के किया था, चेक करते हैं। हाँ, टोटल 50 लाख मान के किया था, तो एक्चुअली 50 लाख में से अगर एक को पहले हम लोगों ने 10 लाख दे दिया तो बचा 40 लाख, ठीक है? अब 40 लाख का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20-20 लाख दिख रहा है, जबकि 50-50% का अगर शेयर है तो दोनों को मिलना कितना चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट का आधा आधा हिस्सा यानी 25-25 मिलना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर दिखाया था कि टोटल अगर 50 लाख का प्रॉफिट है तो दोनों को 25-25 मिलना चाहिए। सपोज एक को पहले ही 10 लाख हम लोगों ने दिया था तो एक को मिलेगा और 15 लाख मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन गलती से इस तरह से करते हैं कि बचे हुए 40 लाख का दो पार्ट कर देते हैं तो उसमें 20-20 लाख हो जाएगा, तो बी का तो कम हो गया, ठीक है, और ए का ज्यादा हो गया 20 लाख और पहले से 10 लाख 30 लाख, जबकि ए को मिलना चाहिए 25 लाख। तो इसी चीज को, इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है क्या इसमें से पहले किसी भी पॉलिसी होल्डर को कुछ भी बोनस दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो ऐड करो, ऐड करने से एक्चुअली कितना था वो पता चल जाएगा, दैट 50 लाख। अब इसका दो पार्ट करेंगे तो 25-25, लेकिन ए को पहले से ही 10 लाख दिया हुआ था तो वो लेस कर देंगे 15 लाख, तो 15 और 25 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी वजह से एक बार ऐड एक बार लेस, इस कांसेप्ट में ये क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो ये भी मैंने एक बार फिर से बता दिया कि किस तरह से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अगर नहीं समझ में आया तो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर को कितना मिलेगा, पॉलिसी होल्डर को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस का 90
5%, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कितना है, 100 लाख का 95%, तो 100 लाख का 90। मैं एक बार पीछे देखो, हाँ हो गया मैम। अच्छा, 100 लाख का 95%, तो 95% ये फिक्स्ड रेट है, ठीक है। ये कुछ नया, मतलब हर एक क्वेश्चन में अलग अलग नहीं, ये हम लोग को पता होना चाहिए फिक्स्ड रेट है, वो भी हम दिखा देते हैं। देखो एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स्ड रेट, ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, ठीक है। तो 95% करने से जितना आएगा, तो 95 लाख आता है, 100 लाख का 95% करने से 95 लाख आता है, इतना मिलेगा पॉलिसी होल्डर को। ये तो हम लोग का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन पहले से अगर कुछ पे किया गया है, जो मैंने अभी समझाया, अगर पहले से पे किया गया है उतना लेस करना पड़ेगा, तो लेस कर देंगे, लेस इंटरिम बोनस पेड, ऑलरेडी अगर कुछ पेड है। तो इंटरिम बोनस कितना पेड है, ये वाला 25 लाख, तो 25 लाख कम डिस्ट्रीब्यूट होगा पॉलिसी होल्डर में, तो माइनस करने से 70 लाख आएगा। ये पॉलिसी होल्डर का ये हो गया अमाउंट स्टिल ड्यू, अभी तक यही बाकी है, टोटल के हिसाब से 95 लाख, क्योंकि इंटरिम बोनस ऑलरेडी हम लोगों ने 25 लाख दे रखा है, तो 70 लाख देना पड़ेगा। और शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस का 5%, यही कंसेप्ट है। तो 100 लाख का 5%, यानी 5 लाख, ये फिक्स्ड रेट है, फिक्स्ड रेट के हिसाब से 5% लगाने से जितना आएगा उतना ही देना पड़ेगा, 5 लाख हो गया। तो ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि शेयर होल्डर को मिलेगा 5% के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस लिखा है ये मैंने, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, जो कि ये वाला है डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। अच्छा, अब क्वेश्चन फिर से देखते हैं, यहाँ पर ये सब तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया, वैल्यूएशन बैलेंस शीट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, ये भी बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा दिया, बचा क्या है, बचा है बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन और उसके साथ साथ जर्नल एंट्री। तो पहले बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देते, फिर जर्नल एंट्री करेंगे। तो बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बोनस दो तरीके से पे होगा, ठीक है, ऐसे मिडिल में लिखते हैं बोनस, दो तरीके से पे होगा, कैश बोनस और रिविजनरी बोनस। ये वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कैश बोनस और रिविजनरी बोनस। तो पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि रेशियो क्या बना हुआ है, तो वो क्वेश्चन में देना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं देगा तो हमें कैसे पता चलेगा। अच्छा, 185 per 1000 रिविजनरी, 185 per 1000, अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं 185 per 1000, अगर 1000 rupees का किसी का पॉलिसी है तो उसे 185 का बोनस मिलेगा, रिविजनरी बोनस। और कैश बोनस का रेशियो क्या बोल रखा है, ये वाला 105 per 1000 पे, अच्छा 105 per 1000, ये क्वेश्चन में हमें बताना चाहिए, नहीं तो हम लोग अपने हिसाब से रेशियो नहीं बना सकते, क्वेश्चन अब जरूर ये इंफॉर्मेशन हमें देगा। अब पहले ये चेक करेंगे कि कितने लोगों को कैश बोनस मिल रहा है और कितने लोगों को रिविजनरी बोनस मिल रहा है। तो कैश बोनस मिल रहा है 3/5 को, ये यहाँ दे रखा है ऑप्टेड फॉर कैश बोनस, 3/5 कैश बोनस 3/5 जाएगा, और रिविजनरी इसका मतलब बचा हुआ, ठीक है, तो 3/5 का बचा हुआ कितना हो जाएगा, 3/5, और यहाँ पर हो गया 2/5, ठीक है, 2/5 हो जाएगा, 1 - 3/5 करने से 2/5 हो जाएगा, तो रिविजनरी बोनस 2/5। अब ये 3/5 किसका निकलेगा, 3/5 निकलेगा टोटल पॉलिसी अमाउंट का, तो टोटल पॉलिसी अमाउंट मतलब पॉलिसी वैल्यू कितना है, टोटल पॉलिसी वैल्यू यहाँ पर है 600 लाख, ठीक है, ये देखो टोटल बिजनेस कंडक्टेड बाय द कंपनी, मतलब कंपनी का बिजनेस वैल्यूएशन इतना है। वैल्यूएशन कैसे होता है, पॉलिसी से, पॉलिसी वैल्यू से, तो पॉलिसी वैल्यू इतना है, तो ₹600 लाख, तो ₹600 लाख में 3/5 जितना होगा बोनस का अमाउंट, सॉरी 3/5 जितना पॉलिसी का वैल्यू होगा, 600 लाख का 3/5 जितना होगा उतने पे हमें देना पड़ेगा कैश बोनस। तो 600 into 3/5 मतलब 360 लाख
पॉलिसी होल्डर को 360 लाख रुपीस का पॉलिसी होल्डर को देना पड़ेगा हम लोगों को कैश बोनस. वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर 1000 इसका ये यूनिटरी मेथड होगा, 1000 रुपीज का पॉलिसी है तो 105 रुपए बोनस मिलेगा, 1 रुपए का पॉलिसी है तो 105/1000 मिलेगा, और अगर 360 लाख का पॉलिसी है तो कंपनी को कितना कैश बोनस देना पड़ेगा, ये इस तरह से निकलेगा. ठीक है, ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा. तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जस्ट ये वाला पॉइंट दिखाएंगे, मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है, डिटेल्स में समझा दिया. इसको एक बार पेंसिल से रफ में कहीं लिख लो, इसको रब कर देंगे या नीचे लिख के दिखाते हैं, ठीक है, कि कितना होगा. तो इस तरह से हो जाएगा, ये देखो 105/1000 × 360 यहाँ पर रुपीस में जितना आएगा, तो 105/360/1000 तो ये हो जाता है 37.8 आ रहा है, 37.8, मतलब ये सब तो लाख में है, तो 37.8 लाख, 37.8 लाख. इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, फिर इसमें 0 इंटू कर दो, 1 लाख इंटू करने से पता चल जाएगा 37,80,000 होगा. ठीक है, 37.8 का मतलब 37,80,000, 37 लाख हम यहाँ पर लिख देते हैं 80,000, ताकि जर्नल एंट्री में पूरा वैल्यू हम लोग यूज कर सके. ठीक है, और वैसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. सिमिलरली इस तरह से हम लोग रिविजनरी बोनस का भी कैलकुलेट करेंगे. तो पहले ये चेक करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ पॉलिसी के लिए रिविजनरी बोनस हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो 2/5 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 600 लाख का 2/5, 240 लाख. तो 240 लाख यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे होगा. ये सेम उसी तरह से होगा, अगर किसी के पास 1000 रुपीज का पॉलिसी वैल्यू है तो अगर वो रिविजनरी बोनस ले रहा है तो 185 मिलेगा, 1 की जगह 185/1000, तो 240 लाख के लिए कितना होगा, तो 185/1000 × ₹240. ठीक है, ये सब इन लाख है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 240 लाख है, बाकी ये तो ₹185 और ₹1000 ये, लेकिन ये लाख है, तो ये हो जाएगा 185/240/1000, पॉइंट में ही आएगा 44.4 लाख, यानी कितना हो जाएगा, इंटू 1 लाख करने से ही पता चल जाएगा 44,40,000. आंसर आ रहा है 44,40,000. ठीक है, और एक चीज भी मैंने लास्ट दिन बताया था, जो रिविजनरी बोनस का अमाउंट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है. ठीक है, देखो यहाँ पर 1000 पे 105 और यहाँ पर 1000 पे 185, ये इसीलिए होता है क्योंकि इसके लिए कंपनी को कैश नहीं निकालना पड़ता है, कंपनी प्रीमियम के साथ उसे एडजस्ट कर लेती है, कैश आउटफ्लो कम होता है, कंपनी का प्रेफरेंस इसी पे रहता है ज्यादा. ठीक है, इसीलिए कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है रिविजनरी बोनस देने से अच्छा हो, इसीलिए रेट भी ज्यादा रखती है. तो 1000 पे कहाँ 105 और कहा 85, तो हमेशा ये बोनस जो है इसका जो मतलब अमाउंट है वो ज्यादा होता है. ठीक है, अब हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन तो कर लिया, बस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा. तो जर्नल एंट्री क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग ये जो कैलकुलेशन जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका जर्नल एंट्री. फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है, हम लोगों ने 75 लाख कैलकुलेट किया है. 75 लाख क्या है, हम लोगों का सरप्लस है. ठीक है, तो ये सरप्लस कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. तो लाइफ इस तरह से होगा, लाइफ एश्योरेंस फंड अकाउंट डेबिट 75 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75 लाख. ठीक है, ये मतलब ये लास्ट में 75 लाख, जैसे ये दिख रहा है ना यहाँ पर 240 आया था, उसी तरह से ये आ जाता है 75 लाख. ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, सरप्लस और नेट प्रॉफिट, इसे हम लोग बोलेंगे सरप्लस. मतलब ये तो बैलेंस शीट से मिला ना, सरप्लस बोलेंगे, सरप्लस यानी कि जो हम लोग का नेट प्रॉफिट है. सरप्लस और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट. वैल्यूएशन बैलेंस शीट के हिसाब से कैलकुलेट किया गया जो सरप्लस या नेट प्रॉफिट है वो पीएल में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया. नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, है ना. डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कितना आया,
ये वाला आया, ये पॉलिसी होल्डर का ड्यू है 70. अच्छा, ये तो ड्यू है. अब उसके बाद हम लोग का बोनस, बोनस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोनस का हम लोग को एंट्री करना है कि ये कितना बोनस है, कैश बोनस कितना है, रिविजनरी. तो बोनस देने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट कम होगा तो पीएल डेबिट. दोनों केस में ही, दोनों टाइप ऑफ बोनस में ही पीएल डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. पहले है 37,80,000 जो कि कैश बोनस का कैलकुलेशन है, टू बोनस ब्रैकेट में लिखेंगे इन कैश, ये कैश बोनस है, या कैश बोनस भी लिख सकते हैं पेबल. मतलब ये तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है 30, आउटस्टैंडिंग बोनस कैश बोनस भी लिख सकते हैं 37,80,000. तो यहाँ पर लिखेंगे नरेशन बीइंग बोनस ड्यू. और फिर से रिविजनरी बोनस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 44,40,000 टू, क्योंकि ये बोनस हमें पे नहीं करना है, ये हम लोग प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर लेंगे और प्रीमियम यानी हम लोग के पीएल में चला जाएगा एज ए इनकम. तो ये इफेक्ट करेगा हमारे लाइफ एश्योरेंस फंड को, ठीक है. तो हमारा लाइफ एश्योरेंस फंड का जो वैल्यू है उसमें ये क्रेडिट हो जाएगा. तो यहाँ पर लिखेंगे लाइफ एश्योरेंस फंड 44,40,000 हमें कैश आउटफ्लो नहीं करना पड़ेगा. ये पैसा जो है ये प्रीमियम में हम लोग एडजस्ट कर देंगे, मतलब टोटल प्रीमियम में 44,40,000 लेस कर देंगे. टोटल प्रीमियम जो होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि पर्टिकुलरली सबका कितना हो रहा है इंडिविजुअली, लेकिन हम लोग तो कंपनी का एज ए टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं ना. तो टोटल हम लोग देख लेंगे कि कितने लोगों का, मतलब 44,40,000 का हमें बोनस का कैश आउटफ्लो नहीं करना पड़ेगा बिकॉज ये रिविजनरी बोनस है. तो टोटल प्रीमियम जिन्होंने ये ऑप्शन लिया है उनके टोटल प्रीमियम से ये टोटल अमाउंट हम लोगों का डिडक्ट हो जाएगा. यहां पर लिखेंगे बीइंग रिविजनरी बोनस पेबल ट्रांसफर टू लाइफ एश्योरेंस फंड. और ये लाइफ एश्योरेंस फंड में इसीलिए ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि ये जो है ये एक्सपेंस था, लेकिन ये एक्सपेंस एडजस्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. एक्सपेंस एडजस्ट होकर रिड्यूस हो जाएगा. मैंने एक एग्जांपल भी दिया था यहाँ पर, ये देखो लास्ट क्लास में जब मैंने समझाया कि अगर किसी का प्रीमियम है 40 रुपीज, उसे 25 नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो रिविजनरी बोनस ले रहा है 25, ठीक है. तो इसका मतलब उसे 15 रुपीज ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो ये उसका इनकम हो जाएगा. इनकम होगा तो क्रेडिट होगा, तो इसीलिए लाइफ एश्योरेंस फंड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसी तरह से लाइफ एश्योरेंस फंड जो है बढ़ जाएगा जो हम लोग पीएल में शो करते हैं, ठीक है. तो ये वहां पर जाके क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हम लोग नेट प्रॉफिट तो लिखते हैं नहीं, ठीक है. ये देखो नेट प्रॉफिट तो लिखते नहीं है ना, हम लोग लिखते हैं क्या यहाँ पर, लाइफ एश्योरेंस फंड. तो ऑब्वियसली इधर इनकम अगर हम लोगों का ज्यादा दिखेगा तो इनकम जो भी दिखेगा वो हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे, तो लाइफ एश्योरेंस फंड में वो ऐड होते जाएगा, उसके वैल्यू को बढ़ा देगा, ठीक है. तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है. और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इतना ही. यहाँ पर जो सोल्यूशन किया इन लोगों ने, ये बोनस का कैलकुलेशन इन लोगों ने वर्किंग नोट पे दिखाया क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर बोला नहीं, बस जर्नल एंट्री बोला था, मैंने क्वेश्चन के अंदर ही दिखा दिया. अगर चाहो तो इसे वर्किंग नोट के तरह भी दिखा सकते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट के तरह दिखा सकते हैं. बस इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है और कुछ आता भी नहीं, और ये सब पढ़ने का जरूरत भी नहीं. इतना जो भी लिखा हुआ है इसका मैंने जिस्ट समझा दिया है, इसको अलग से और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. बस यहाँ पर एक वो बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से बैलेंस शीट का क्वेश्चन नहीं आता है. बैंकिंग का भी बैलेंस शीट नहीं आता है, पीएल ही आता है. मैंने पीएल करवा दिया, मैंने बोला भी था बैंकिंग का ही पीएल का आता है, और जो इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी बैलेंस शीट नहीं आता है, इसका भी नहीं आता है, ठीक है. बैलेंस शीट का क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि बैलेंस शीट, एक भी बैलेंस शीट बनाओगे तो काफी बड़ा होता है, जो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए, जबकि चैप्टर ही 5 मार्क्स का. इसलिए कभी बैलेंस शीट, यहाँ ये तीनों जो चैप्टर है इससे कभी नहीं आया, ठीक है. 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है. ईयर का क्वेश्चन भी एक बार चेक करके देख सकते हो, ठीक है. मतलब अपने नॉलेज के लिए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, मैंने तो देख लिया है, तो किस तरह का क्वेश्चन आता है. बैलेंस शीट कभी नहीं आता ये तीनों में से, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट लाइक क्वेश्चन मार्किंग है नहीं 5 मार्क्स के लिए, तो ये बैलेंस शीट हमें जरूरत नहीं है. तो ये भी हम लोगों का जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है. और यहाँ पर हम लोगों को कुछ नहीं करना है. अब यहाँ पर ये वाला चैप्टर में चलते हैं, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है. फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का एक अलग से ही चैप्टर दे रखा है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है. तीनों जो कंपनी था,
इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी. अभी हम लोग करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अलग से हमें दे रखा है, फॉरफीचर का एडजस्टमेंट हमें पूछा जाता है इसीलिए. पेज नंबर 36 में, 36 में. स्वेट इक्विटी तो करवा दिया था मैंने. ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, देखो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब हम इन जनरल बता देते हैं. फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब भी कोई शेयर होल्डर अपना कॉल मनी टाइम पे नहीं दे पाता है तो कंपनी उसे 2-3 बार नोटिस भेजती है. ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम. फॉरफीचर का मतलब ये होता है कैंसिलेशन. ऐसा नहीं कि पैसा नहीं दिया तो शेयर कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं होता है. कंपनी नोटिस देते रहती है, ठीक है. अगर उस नोटिस जब दिया है उस पीरियड के अंदर अगर कोई पे नहीं कर पाता है तो कंपनी के पास राइट्स है कि कंपनी क्या करेगी, जो पैसा उससे ऑलरेडी ले चुकी है वो रिटर्न नहीं करेगी, ठीक है. जो ले चुकी है वो रिटर्न करने के लिए कंपनी लायबल नहीं है. वो गया उसके लिए वो लॉस हो जाएगा, वो कंपनी के पास रह जाएगा. कंपनी उसका होल्डिंग भी कैंसिल कर देगी, ठीक है. और उसका जो पैसा लिया था कंपनी ने वो भी नहीं देगी. और वो शेयर जो कैंसिल कर रही है वो फिर किसी और को भी दे सकती है, रीइश्यू कर सकती है. जिसको ये देखो नीचे भी पॉइंट लगा हुआ है, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फिर उसे रीइश्यू कर सकती है, ठीक है. तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ये होता है. तो इसका कभी कभी जो है क्या बोलते हैं उसे थियोरिटिकल आ जाता है, ठीक है. तो कंसेप्ट ये है, देखो पूरा वही चीज को यहाँ पर और भी लैंग्वेज में बता रखा है. हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हम एक बार पढ़ के बता देते हैं. व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे कॉल द कंपनी द सॉरी व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे कॉल्स द कंपनी इफ एम्पावर्ड बाय इट्स आर्टिकल. मतलब आर्टिकल में लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपनी के कोई भी शेयर होल्डर अगर अपना कॉल मनी नहीं दे पाते हैं तो उनका शेयर फॉरफिट करने के लिए कंपनी के पास क्या है, राइट्स है. तो जब हम लोग लिखेंगे थियोरिटिकली तो ये सारा पॉइंट जो है हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इफ एम्पावर्ड बाय आर्टिकल्स. मतलब ये सब लिखने से क्या होता है, मार्क्स अच्छा कैरी होता है. मे फॉरफिट द शेयर, शेयर को चाहे तो कैंसिल कर सकती. फॉरफिट का मतलब होता है कैंसिल करना. If a shareholder has not paid any call on the day fixed for payment thereof and fails to pay it even after his attention is drawn to it by the secretary by the registered नोटिस, ठीक है. क्या बोल रहा है कि अगर कोई शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता है कोई भी कॉल मनी, ठीक है, जो डेट फिक्स किया गया है उसके अंदर, जो पेमेंट का पीरियड मतलब कंपनी के तरफ से फिक्स्ड है उसके अंदर अगर नहीं पे कर पाती है एंड फेल्स टू पे इट इवन आफ्टर हिज अटेंशन इज ड्रॉन, मतलब जबकि उनको नोटिस दे के बार बार उन्हें मतलब पहले से ही इन्फॉर्म किया गया है तब भी अगर नहीं दे रही है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास ए रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट दैट सच शेयर्स बी फॉरफिट. तो एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा बोर्ड मीटिंग में उस शेयर को फॉरफिट करने के लिए और कंपनी उस शेयर को फॉरफिट कर सकती है. शेयर्स वंस फॉरफिटेड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. जैसे मैंने बोला कि वो फिर कंपनी का हो जाएगा, फिर ये शेयर होल्डर क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरा शेयर है. फॉरफिट होने का मतलब ओनरशिप खत्म, अलॉटमेंट खत्म एंड मे बी सोल्ड ऑन सच टर्म्स एज डायरेक्टर्स थिंक फिट. जैसे कंपनी के डायरेक्टर को सही लगेगा वो चाहे जब भी इस शेयर को फिर से बेच सकते हैं, मतलब रीइश्यू कर सकते हैं. अपॉन फॉरफिट द ओरिजिनल शेयर होल्डर सीजेस टू बी अ मेंबर एंड हिज नेम मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. तो जैसे रजिस्टर में जो मेंबर का नाम मतलब मेंबर का नाम जो है लिखा जाता है, जब कोई शेयर होल्डर को अलॉटमेंट दिया जाता है तब उसका अलॉटमेंट के तौर पे उसका नाम रजिस्टर में बुक किया जाता है. तो जब कैंसिल हो जाएगा तो रजिस्टर से उसका नाम जो है एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है. तो इसको हम लोग जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे उतना अच्छा है. और इसमें कुछ पॉइंट हमें ऐड जरूर करना चाहिए कि ये वाला कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑब्वियसली लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपनी के पास राइट्स है कि कंपनी उसका शेयर जो है वो क्या कर सकती है,
फॉरफिट कर सकती है अगर किसी ने पेमेंट नहीं दिया है. लेकिन हाँ, ऑब्वियसली नोटिस भेजना पड़ेगा. नोटिस भेजने के बाद भी अगर इग्नोर हो रहा है तो कंपनी बोर्ड मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन पास करके फॉरफिट कर सकती है. आफ्टर फॉरफिट कंपनी के पास पूरे उस शेयर का ओनरशिप आ जाएगा और वो जब चाहे उसे अपने हिसाब से फिर से बेच सकती है, यानी रीइश्यू कर सकती है. ठीक है, और जैसे ही फॉरफिट हो जाएगा उस शेयर होल्डर का नाम जो है रजिस्टर से हटा दिया जाएगा. ये कुछ पॉइंट जो है ऑब्वियसली हमने लिखना ही चाहिए अगर इस पे थ्योरी आता है तो. कम से कम मतलब बेस्ट होगा कि ऐसे पैरा नहीं करके अगर हम लोग पॉइंट पॉइंट ये सारा चीज लिखते. तो फिर सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये दूसरा चीज होता है. सरेंडर और फॉरफिट में डिफरेंस होता है बहुत बड़ा. ठीक है, सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये सरेंडर ऑफ शेयर्स के ऊपर शायद मैंने लास्ट जो एक रिकॉर्डिंग दिया था, लास्ट दिन क्लास नहीं ले पाए थे, तबीयत ठीक नहीं था, तो वहां पर मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताया. वो जो था वो ऐसे भी थ्योरिटिकल था, 1 घंटा 20 मिनट का ही शायद उसमें लेक्चर था कि पूरा जो हम लोग का बैलेंस शीट और पीएल बनता है वो किस तरह. बेसिकली बैलेंस शीट पे मैंने पूरा उसमें डिटेल्स बोल रखा है कि बैलेंस शीट किस तरह से बना है, हर एक पॉइंट का मीनिंग क्या है. ठीक है, जैसे अलॉटमेंट में लिखा हुआ रहता है. ठीक है, सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है, वो सारा चीज अलग अलग लिखा हुआ है क्योंकि उससे एमसीक्यूज आता है, थ्योरी आता है. तो वो क्लास जरूर करना है ताकि नेक्स्ट सैटरडे जब हम लोग बैलेंस शीट का मतलब पूरा कंपनी फाइनल अकाउंट्स जब करेंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम ना हो. तो वो पढ़ना है, प्रॉब्लम ऐसे नहीं होगा कंपनी अकाउंट्स करते वक्त, लेकिन थ्योरी के लिए वो जरूर करना है. और सरेंडर ऑफ शेयर्स यहाँ पर फिर से एक बार बोल देते हैं, सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या है. आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर अलॉटमेंट करने के बाद समटाइम्स ए शेयर होल्डर इज नॉट एबल टू पे द फर्दर कॉल. हो सकता है वो उसके बाद का पैसा नहीं दे पा रहा है आफ्टर अलॉटमेंट, एंड रिटर्न हिज शेयर टू द कंपनी फॉर कैंसिलेशन. वो खुद ही कंपनी को बोल रहा है कि मुझे आगे इसका पैसा वैसा नहीं देना है, हम नहीं दे पाएंगे, मेरा शेयर कैंसिल कर दीजिए. तो ये वॉलंटरीली कर रहा है. सच वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स इज टू द कंपनी बाय द शेयर होल्डर हिमसेल्फ इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स. वो खुद ही अपने मन से सरेंडर कर दे रहा है क्योंकि वो एबल नहीं है कि आगे का पेमेंट कर पाए. इसको बोला जाता है सरेंडर ऑफ शेयर. सरेंडर ऑफ शेयर हैज नो सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बट इट विल बी ट्रीट लाइक दैट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. तो सरेंडर अगर कोई करता है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो कुछ अलग नहीं होगा, जस्ट लाइक फॉरफीचर ऑफ शेयर की तरह ही होगा. बट सरेंडर का मतलब अपने मन से होल्डिंग को छोड़ देना. ठीक है, और फॉरफीचर का मतलब है कि कंपनी उसको कैंसिल कर दे रही है. द सेम एंट्रीज एज आर पास्ड इन द केस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विल बी पास्ड इन द केस ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स. तो सेम एंट्री ही पास करना पड़ेगा, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जस्ट वैसा ही होगा जैसे होना चाहिए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए. फिर बोला है रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर. फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू कैसे होता है, देखो फॉरफिटेड शेयर में भी रीइश्यूड बाय द कंपनी क्योंकि कंपनी का ओनरशिप आ जाता है तो कंपनी कैंसिल किया गया शेयर को रीइश्यू कर सकती है फॉर एनी अमाउंट, कुछ कितना भी पैसे में वो कर सकती है. लॉस में कर सकती है, मतलब पिछले अमाउंट से कम में, ज्यादा में, यानी प्रीमियम में भी कर सकती है पिछले अमाउंट से ज्यादा में. बट इफ सच शेयर्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट मतलब लॉस में अगर हो रहा है, देन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड नॉट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर. फॉरफिट जब हुआ था शेयर तब जितना पैसा रिसीव्ड हुआ था उससे कम में नहीं इश्यू कर सकती है. मतलब मान लो कोई एक शेयर 10 रुपए का था, ठीक है, कोई एक शेयर 10 रुपए का था जिस पे किसी ने 8 रुपए दिया, 2 रुपए नहीं दिया, उसका शेयर फॉरफिट हो गया तो कंपनी के पास 8 रुपए रह गया. अब कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकती है. ठीक है, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में इशू कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्काउंट में हुआ 1 रुपए डिस्काउंट में, 8 रुपए में भी इशू कर सकती है, लेकिन 7 में नहीं कर सकती. क्यों, क्योंकि बोला है द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर. तो डिस्काउंट का अमाउंट, अच्छा डिस्काउंट का अमाउंट फॉरफिटेड शेयर से, फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिस्काउंट का अमाउंट. तो वैसे तो ये डिस्काउंट का अमाउंट जो है ये इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं समझा पाएंगे. यहाँ पर ये देखो 10 रुपए में मान लो 3 रुपए मिला है, 7 रुपए नहीं मिला, शेयर को क्या कर दिया कंपनी ने, फॉरफिट कर दिया, फिर से रीइश्यू करना चाहता है. अब बोल रहा है कि इशू किया है डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट में इशू किया है, मान लो ये फिर से रीइश्यू किया है 6 रुपए में, तो डिस्काउंट कितना हो गया, एक्चुअल था 10 रुपए, उसको 6 रुपए में रीइश्यू किया गया है, तो डिस्काउंट अमाउंट हो गया 4 रुपया, जो कि फॉरफीचर अमाउंट से ज्यादा है. डिस्काउंट अमाउंट फॉरफीचर अमाउंट से ज्यादा है. ये कौन सा अमाउंट है, जो पैसा कंपनी ने इस शेयर पे लिया था उसके बाद कैंसिल कर दिया क्योंकि जो शेयर होल्डर है उसने 7 रुपए
बाकी नहीं दिया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है वो शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, ₹3 से ज्यादा फिर नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ये बोल रहा है। द परचेज ऑफ फॉरफिटेड द परचेजर ऑफ फॉरफिटेड रीशूड शेयर इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ ऑल फ्यूचर कॉल्स ड्यूली मेड बाय द कंपनी। तो जिसको रीशू किया गया है उसको अब अपने मतलब उसको क्या करना है, नॉर्मल रूल्स जो होता है जब जब कंपनी जो भी कॉलिंग करेगी, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, जो भी होगा उसका सारा पेमेंट जो है उसको देते जाना है नॉर्मल बेसिस पे, ठीक है। उसके लिए ये नया ही शेयर होगा, कंपनी के लिए ऑब्वियसली ये री इशू है, लेकिन उसके लिए नया से जो भी कंसेप्ट होता है सेम नए शेयर के लिए वही एप्लीकेबल होगा। अच्छा फिर क्या बोला है, देखो, व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर आर नॉट इशूड, अगर सारा फॉरफिटेड शेयर रीइशू नहीं होता, ऐसा हो सकता है कि मान लो कंपनी ने 10 शेयर फॉरफिट किया लेकिन रीइशू किया 7 और बाकी 3 को नहीं किया, ये भी हो सकता है। व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर आर नॉट इशूड दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ सच शेयर इज इशूड, इट इज डिजायरेबल टू स्प्रेड द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ऑन ऑल सच फॉरफिटेड शेयर एंड ऑफ द अमाउंट रिलेटिंग टू दैट पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। ये पॉइंट जो है ये ऐसे थियोरिटिकली पढ़ के नहीं समझ में आएगा, ये जरूर समझ में आएगा जब हम लोग इस पर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और इसीलिए देखो इसके बाद जो है यहाँ पर दे रखा है, क्या बोलते हैं उसे, एंट्रीज दे रखा है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो लिख रखा है, डिस्काउंट ऑन रीइशू शेयर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सच अमाउंट एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बीइंग कैपिटल प्रॉफिट। ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये पॉइंट समझेंगे। ये देख लेते क्या लिखा हुआ, द अमाउंट रिलेटिंग टू दैट पार्ट ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विच हैज नॉट बीन रीइशूड शुड बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज शेयर फॉरफिटेड। अच्छा तो ये कहाँ पर जाएगा वो भी बताया है, ठीक है। फॉरफिचर अमाउंट कहाँ पर जाता है, विच हैज नॉट बीन रीइशूड। अच्छा जो शेयर रीइशू नहीं हुआ उस पर जितना पैसा हम लोगों ने ले रखा है वो कहाँ पर दिखाया जाता है, ये हम लोग का एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। शेयर फॉरफिट हुआ और शेयर फॉरफिट होने के बाद जो शेयर रीइशू नहीं हुआ उस पर जितना पैसा कंपनी ने ले रखा है वो कहाँ शो करना है, ये पॉइंट आउट कर लो बुक में, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। लाइबिलिटी साइड में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंडर में वो अमाउंट हमें शो करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक एमसीक्यू के लिए, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका समझ तभी होगा जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो शेयर फॉरफिट होने पे कैसा एंट्री होता है, शेयर फॉरफिट होने पे इस तरह से एंट्री होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम ये तभी हम लोग डेबिट करेंगे इफ इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। इसका कंसेप्ट भी बताते हैं कि हम लोगों ने इशू प्रीमियम पे किया था, अगर प्रीमियम पे इशू किया था तो ऑब्वियसली हम लोगों ने प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा। सोचो कि अगर हम लोगों ने प्रीमियम पे शेयर इशू किया, सपोज प्रीमियम पैसा हमें अलॉटमेंट में इंक्लूड किया था, है ना, तो अलॉटमेंट में इंक्लूड किया था तो हम लोगों ने एंट्री किया होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसे किया होगा, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो क्रेडिट किया था मतलब इसको गेन दिखाया था, लेकिन अगर कोई अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं तो ये गेन या इनकम तो हमारा होने वाला है नहीं, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इफ इशूड एट प्रीमियम तभी प्रीमियम का बात आएगा, अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है तभी प्रीमियम का बात आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। लेकिन डेबिट क्यों करें, अगर प्रीमियम पे इशू किया था तो प्रीमियम पहले क्रेडिट हुआ था, अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ है तो हमें प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। टू कॉल सिनेरियन मतलब जो पैसा नहीं मिला, टू शेयर फॉरफिटेड मतलब जो पैसा हमें मिला, ठीक है। फॉर रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर जब रीइशू करेंगे, रीइशू करने का मतलब है शेयर इशू करने की तरह ही है लेकिन ऑलरेडी इशूड शेयर को इशू कर रहे हैं, दैट्स व्हाई रीइशू। तो पैसा तो मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, जितना शेयर रीइशू होगा उतने सारे शेयर पे और जितना प्राइस लगाया जाएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट मतलब अगर डिस्काउंट पे रीइशू हो रहा है तो उतना लॉस रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पर टू शेयर कैपिटल, जितना हम लोगों का इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के जो अमाउंट आता है यानी पर वैल्यू आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर इशूड एट प्रीमियम, अगर डिस्काउंट पे होगा तो ये वाला, अगर प्रीमियम पे होगा तो ये वाला, ठीक है। इस पे प्रैक्टिकल है, 3-4 क्वेश्चन है, हम लोग वो देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है ऑब्वियसली कि पहले अगर प्रीमियम पे इशू हुआ था और प्रीमियम क्रेडिट हुआ था बट रिसीव नहीं हुआ था,
फिर से एक बार पॉइंट करो कि प्रीमियम क्रेडिट हुआ था बट रिसीव नहीं हुआ था, तो अभी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, क्योंकि जो इनकम नहीं हो रहा है उसे हमें नहीं शो करना है, क्योंकि अगर हम लोग उसे क्रेडिट करके रख देंगे तो वो बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस के हेड में आ जाएगा, जबकि वो रिजर्व सरप्लस हमारा है ही नहीं, क्योंकि वो पैसा तो मिला नहीं। उसके बाद प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, अगर प्रॉफिट होता है तो इस तरह से रिकॉर्ड होगा, बट ये कैसे कैलकुलेट होगा वो हम लोग प्रैक्टिकल के साथ ही देखेंगे, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ एक कुछ नोट दे रखा है, इफ पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड देन प्रॉफिट शैल बी कैलकुलेट प्रोपोर्शनेटली। अच्छा, मतलब पूरा शेयर जो फॉरफिट हुआ है वो रीइश्यू ना होके अगर उसका एक पार्ट रीइश्यू होता है तो पार्ट मतलब प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, उतना ही प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर बोला है ना प्रॉफिट का रिकॉर्डिंग, तो जितना शेयर रीइश्यू करके प्रॉफिट होगा उतने का ही रिकॉर्डिंग होगा, सारे शेयर का नहीं होगा अगर सारा शेयर रीइश्यू नहीं हो रहा है तो, ठीक है। और भी ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा जब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे। देखो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर बोल रखा है, आईसीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली कॉल्ड अप। मतलब आईसीसी लिमिटेड ने शेयर इशू किया था ₹10 वाला शेयर, फुल्ली कॉल्ड अप मतलब पूरा पैसा मांग लिया है कंपनी ने, कंपनी ने कोई भी पैसा बाकी नहीं रखा है, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है, ठीक है। तो ₹10 दे देना चाहिए क्योंकि कंपनी ने कॉल कर लिया है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 पर शेयर, फाइनल कॉल था ₹2 करके, ये नॉन पेमेंट किया है किसी ने, ठीक है। दिस शेयर शेयर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ओरिजिनली अच्छा ₹10 पे नहीं हुआ था, ओरिजिनली ये 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ था, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी पर 2, 3, 2 रेस्पेक्टिवली वेयर रिसीव्ड इन टाइम, गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर। क्या बोला है कि जब ये ₹10 वाला शेयर इशू हुआ था फर्स्ट टाइम, तो ये इशू हुआ था ₹9 पे, क्यों, क्योंकि 10% डिस्काउंट पे हुआ था, ये फर्स्ट पॉइंट। और पैसा कैसे मांगा गया था, पैसा मांगा गया था एप्लीकेशन पे ₹2, ठीक है, अलॉटमेंट पे ₹3, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट कॉल पे मांगा गया था ₹2, तो 2 + 3 = 5, 6, 7 ₹7 हो रहा है। और यहाँ पर फाइनल कॉल, ठीक है, फाइनल कॉल ये है ₹2 यहाँ दे रखा है, तो ये 9 हो गया, पूरा ₹9 हम लोग को पता चल गया कि कंपनी कैसे अपना ₹9 कलेक्ट करना चाह रही थी, तो कंपनी ने पूरा ये सारा कॉल कर लिया है, एप्लीकेशन का पैसा भी मांग लिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सारा पैसा जो है कंपनी ने कॉल कर लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं फुल्ली कॉल्ड अप। बट क्या हुआ, कोई एक शेयर होल्डर है जिसने ये 200 जिसका 200 शेयर फॉरफिट हुआ है, 200 इक्विटी शेयर फॉरफिट हो गया है, क्योंकि 200 इक्विटी शेयर होल्ड जो लोग कर रहे थे, अब एक कर रहे थे दो कर रहे थे वो तो नहीं पता, हमें क्वांटिटी पता है, 200 इक्विटी शेयर पे ₹2 का फाइनल कॉल हमें नहीं मिला और कंपनी ने 200 शेयर को फॉरफिट कर दिया, तो इसका एंट्री क्या होगा। तो सबसे पहले फॉरफिचर के एंट्री पे हमें 3 चीजों का ध्यान देना चाहिए, कितना मिलना था, कितना मिला और कितना नहीं मिला। तो अगर चेक करके देखो तो ₹9 में बस ₹2 ही नहीं मिला, बाकी मिला है कितना, ₹7 मिला है, सिर्फ ₹2 नहीं मिला, तो ₹7 मिला, ₹2 नहीं मिला। और अगर मिल जाता तो कितना मिलना चाहिए था, वैसे तो ₹9 मिलना चाहिए था क्योंकि डिस्काउंटेड था, ठीक है। तो अब इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग कैंसिल करेंगे शेयर को, शेयर फॉरफिट, तो पहले हम लोग शेयर को कैंसिल करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर कैंसिल होगा, 200 शेयर जो कि फॉरफिट हो रहा है। और इक्विटी शेयर का एंट्री अगर याद है, जब हम लोग एकदम स्टार्टिंग में बेसिक कर रहे थे तो इक्विटी शेयर का अगर याद है, मैंने डिवेंचर में भी बोला था और शायद बोनस में भी बोला था, ये हमेशा ₹10 से ही एंट्री होता है, चाहे उसका इश्यू प्रीमियम में हुआ हो चाहे वो डिस्काउंट में हुआ हो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये हो जाएगा 2000, ठीक है। अच्छा, और हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को कौन सा पैसा नहीं मिला, तो हम लोग को नहीं मिला है फाइनल कॉल, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 200 × 2
400. अब ये एंट्री जो है हम लोग टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बोल के भी लिख सकते हैं, टू कॉल्स इन एरियर बोल के भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब कॉल्स इन एरियर हुआ था तो हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया था. तो बात ये है कि हम लोग जब एंट्री कर रहे हैं इसके पहले, ये तो फॉर फ्यूचर है, लेकिन ड्यू एंट्री तो हुआ होगा फाइनल कॉल का. तो फाइनल कॉल का जब ड्यू एंट्री हुआ होगा तब कैसा एंट्री हुआ है उस बेसिस पे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं. तो यहाँ पर देखो, जैसे मेरे कहने का मतलब है जब फाइनल कॉल ड्यू हुआ होगा तब ऐसा हुआ होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ऐसे डेबिट हुआ होगा. जब पैसा मिलेगा तो इन लोगों ने सोचा था ऐसा लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है, ये लिख देंगे ऐसा सोचा था. लेकिन जब पैसा मिला तब एंट्री ऐसा हुआ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, जो पैसा नहीं मिला, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ऐसा होगा. जैसे मान लो फाइनल कॉल का 2 रुपए था, हम एक शेयर से बताते, ठीक है, 2 रुपए मिलेगा ऐसा सोच के उन्होंने ड्यू एंट्री किया. लेकिन दो नहीं करके ना इसको थोड़ा चेंज कर देते, सपोज यहाँ पर 20 शेयर होल्डर है, 2 रुपए करके 40 रुपए मिलने वाला था, ठीक है. तो यहाँ पर 15 लोगों ने दिया तो 15 लोगों से मिला 30, अब मिला कितना नहीं, 5 लोगों से नहीं मिला, 5 × 2 तो ये हो गया 10 रुपीज नहीं मिला फाइनल कॉल, यहाँ पर 40. तो कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ था 10 रुपीज, जब फॉर फ्यूचर का एंट्री करेंगे तो कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर देंगे. एक तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम लोगों ने इस एंट्री के जगह, इस एंट्री के जगह हम लोग और एक एंट्री कर सकते हैं इस तरह से, नेट एंट्री बोलते हैं उसे, कि बैंक अकाउंट डेबिट 30 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 30. मतलब हम लोग ये दिखा रहे हैं कि 40 मिलना चाहिए था, मिला 30, ठीक है. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि इक्विटी शेयर जो है यहाँ पर कैपिटल 40 रुपीज दिख रहा है, बट कैपिटल तो 40 रुपीज नहीं होना चाहिए, कैपिटल जो है ये तो हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, 40 रुपीज से तो आएगा नहीं. फाइनल कॉल का देखो, फाइनल कॉल 40 था लेकिन क्लोज हुआ है 30 से, तो 10 का गैप कहाँ पूरा होगा, यहाँ पर पूरा होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बोल के. तो ये हम बोल रहे हैं कि ये भी सही एंट्री है, इसको बोलते हैं नेट एंट्री के साथ कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर के साथ. तो अगर कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ है तो यहाँ पर टू कॉल्स इन एरियर लिखेंगे, अगर हम लोगों ने नेट एंट्री किया है तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल यहाँ पर लिखेंगे. अब कौन सा लिखना सही है, अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताएगा कि क्या यूज करना है, एंट्री कॉल्स इन एरियर यूज करके करना है या फिर नेट एंट्री यूज करके करना है, तो हम लोग अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं. तो हम लोग फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉल्स एरियर भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा, बिकॉज इसके पहले का एंट्री तो हमें कुछ करने बोला है नहीं, अगर बोलेगा तभी हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ कॉल्स इन एरियर करें या इक्विटी शेयर फाइनल कॉल करें, ठीक है. तो दोनों में से जो भी करो वो सही है. अगर सिर्फ फॉर फ्यूचर का एंट्री बोल रहा है और क्वेश्चन में बोला भी नहीं है कि बाई यूजिंग कॉल्स इन एरियर या फिर बाई यूजिंग नेट एंट्री, अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग अपने मन से जो हमें ठीक लगे कर सकते हैं. अच्छा, तो ये हो गया इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. ये कौन सा पैसा है, ये हम लोगों को जो नहीं मिला. अब जो मिला वो हमारे लिए गेन है, क्योंकि हम लोग तो कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर. कितना मिला, 7 रुपीज. तो ये हो गया 1400, ठीक है, 7 रुपीज मिला. अच्छा, अब बाकी पैसा क्या हुआ, क्यों एडजस्ट नहीं हो रहा है, डिस्काउंट. तो डिस्काउंट जो डेबिट किया था वो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, 1 रुपए का डिस्काउंट था, यहाँ पर बोला था ना 1 रुपया, ये देखो 10% यानी 1 रुपया होता है, तो 200, ठीक है. अब देखो टोटल करके 2000, ये 2000 से मैचअप हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग 200 इक्विटी शेयर फॉरफिट issued at discount, 10% discount of rupees 10 rupees wala fully called up for non payment of rupees to final call. फाइनल कॉल पे नहीं करने के लिए शेयर जो है फॉरफिट कर दिया गया. फॉर फ्यूचर में ये देखना चाहिए कितना मिलने वाला था,
ठीक है, कितना मिलने वाला था? 10 तो नहीं मिलता, 9 रुपए करके कितना मिलता? 1800। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट में इशू हुआ था, तो ये डिस्काउंट जो है पहले डेबिट हुआ था लॉस, ठीक है। अब ये डिस्काउंट हम लोगों को क्या करना है, डिस्काउंट को कैंसिल कर देना है। तो डिस्काउंट हो गया यहाँ पर 1 रुपीज हम लोग इसे, तो ये एडजस्ट होके देखो ऑटोमेटिकली 1800 हो गया, ठीक है। 1800 में 1400 मिला, बाकी नहीं मिला, ठीक है, 400 हमें नहीं मिला। अच्छा, ये एक पैटर्न है, ठीक है, ये एक दे रखा है। और दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे एग्जाम्पल अलग तरीका का है ये वाला। आईसीआईसी लिमिटेड फॉरफिट 500 इक्विटी शेयर ऑफ टेन इच फुल्ली कॉल्ड अप, ये भी टेन इच है, फुल्ली कॉल्ड अप है, विच वेर इशूड एट ए प्रीमियम, ये प्रीमियम में इशू हुआ था 20% प्रीमियम में। अमाउंट पेबल ऑन शेयर वेयर एप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट का 5 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 रुपीज, तो 5 5 10 + 2 12 रुपीज, और 12 रुपीज का ही टोटल शेयर होगा, 10 + 20% प्रीमियम कर लो, 12 रुपीज ही होता है, ठीक है। ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाई द शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर, 500 शेयर पे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है, ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो एप्लीकेशन का पैसा मिला है, प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है, ये पता करने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रीमियम का पैसा कब कॉल किया गया था, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, या कब कॉल किया गया था। तो क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला नहीं है, तो अगर स्पेसिफिकली नहीं बोलता है तो हम लोग मानते हैं कि अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड था, ठीक है। मतलब ये जो है ये 3 + 2 वाला था, तो इसका मतलब प्रीमियम ड्यू तो हुआ है बट प्रीमियम मिला नहीं, मतलब प्रीमियम ड्यू किया है बट प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, तो प्रीमियम क्रेडिट हुआ था तो प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा कि कितना पैसा मिलने वाला था, कितना मिला और कितना नहीं मिला, उसके हिसाब से एंट्री होगा। तो यहां पर लिखेंगे पहले एग्जाम्पल 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 500 नंबर ऑफ शेयर्स है, 10 रुपए, हमेशा ये पर वैल्यू पे एंट्री होगा, हमेशा यहाँ पर वैल्यू पे एंट्री होगा। ये मैंने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे भी बताया था, डिवेंचर पे भी बताया था, हमेशा पर वैल्यू पे एंट्री होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि पहले क्रेडिट हो चुका था लेकिन पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो अभी इसे हम लोग डेबिट करेंगे 2 रुपए से, यानी 1000 रुपए, जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। 2, जो पैसा हमें मिला और जो पैसा हमें नहीं मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर, सिर्फ एप्लीकेशन का मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और क्या नहीं मिला, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल, क्या नाम था यहाँ पर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 5 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये पैसा नहीं मिला, तो ये सब डेबिट हुआ था पहले, अभी क्रेडिट हो जाएगा। तो 500 500 इनटू इनटू, तो ये हो गया 5 5, दोनों ही 5 रुपीज का है, तो 2500 2500 टू शेयर फॉर फ्यूचर 500 इनटू जो पैसा मिला है, यानी एप्लीकेशन का, ये क्रेडिट होगा, पैसा कौन सा मिला है, 2 रुपए मिला है एप्लीकेशन का, तो 2 रुपया, 1000, चेक करते हैं, 6000 होना चाहिए, 5000 और 1 6000, हाँ, तो इतना पैसा मिलना चाहिए था पर वैल्यू के हिसाब से, ये प्रीमियम का पैसा मिलना चाहिए था, दोनों ही नहीं मिला, दोनों ही क्रेडिट हुआ था, दोनों को डेबिट करके कैंसिल कर दिया। ये ऑलरेडी हम लोगों ने ये एंट्री नहीं किया था, अगर कॉल सिनेरियर होता तो हम लोग कॉल सिनेरियर भी लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है, कोई भी एक तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो नेट एंट्री में इतना अमाउंट जरूर हम लोगों ने कम दिखाया था, अभी उसका यहाँ पर लिखने से भरपाई हो जाएगा, ठीक है, उतना क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा, या कॉल सिनेरियर भी दिखा सकते हैं कितना डेबिट किया था कॉल सिनेरियर, अभी क्रेडिट करें। शेयर फॉरफिटर ये अमाउंट कंपनी वापस नहीं करेगी, तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया, तो इसका एंट्री हो जाएगा बीइंग 500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 फुल्ली कॉल्ड अप इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट 20% प्रीमियम फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मैम लास्ट का थोड़ा देखो।
हो गया। अच्छा अब एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो 19 वाला जो कि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। ए कंपनी इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब 100 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। मतलब 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए और भी एक्स्ट्रा, यानी 110 रुपीज कंपनी ने शेयर का प्राइस रखा है, मार्केट प्राइस है, लेकिन पर वैल्यू ये है, ये प्रीमियम वैल्यू है। कितना शेयर के लिए कंपनी ने पब्लिक को इन्वाइट किया है? 100 लाख। ठीक है, पैसा कैसे देना है? अलॉटमेंट पे देना है। पेमेंट वेयर मेड एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे पेबल ऑन अलॉटमेंट। अच्छा, प्रीमियम अलॉटमेंट पे देना है, ये साफ साफ बता दिया। प्रीमियम जो है ये अलॉटमेंट में देना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे 20 रुपए देना पड़ेगा, अलॉटमेंट में 40। 40 का मतलब हो गया 10 रुपए प्रीमियम, 30 रुपीज एक्चुअली अलॉटमेंट का है, 10 फॉर प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 30, फाइनल कॉल 20। अगर टोटल करते हैं तो 20 + 40 60, 60 + 30 90, 90 प्लस 20 ये हो गया 110 ही होगा। ये देखो, एप्लीकेशन का 20 रुपया, अलॉटमेंट का 40 रुपया, फर्स्ट कॉल का 30, फाइनल कॉल का 20। अगर टोटल करेंगे तो यहाँ पर हो गया 40 प्लस 20 60 और यहाँ पर 60 और ये 50, मतलब 110। अब ये 110 इंक्लूडिंग प्रीमियम वैल्यू है, क्योंकि 40 रुपीस में तो प्रीमियम इंक्लूडेड है, अलॉटमेंट का 30 प्लस 10। ठीक है, इस तरह से पेमेंट करना पड़ेगा। अब हुआ क्या, एप्लीकेशन रिसीप्ट हो गया है 130 लाख, बट कंपनी ने को तो 100 लाख का ही अलॉटमेंट करना पड़ेगा, 130 लाख जो लिया है उसमें रिफंड करना पड़ेगा अगर प्रोराटा नहीं होता है तो। देखते हैं ये प्रोराटा का क्वेश्चन है कि नहीं। एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर वेयर रिजेक्टेड, 20 लाख का रिजेक्शन हुआ है, जबकि रिजेक्शन 30 लाख का होना चाहिए, 30 लाख एक्स्ट्रा है ना, लेकिन 20 लाख का रिजेक्शन हुआ है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोपोर्शनेटली, बाकी जो रिजेक्शन नहीं किया कंपनी ने 10 लाख का, वो पैसा जो एप्लीकेशन में लिया है 10 लाख का भी तो रिटर्न होना चाहिए था। रिटर्न तो सिर्फ 20 लाख शेयर पे नहीं होना चाहिए था, 30 लाख पे होना चाहिए था, 20 लाख वाला रिटर्न हो गया। बाकी जो 10 लाख शेयर का पैसा रिटर्न नहीं किया है वो कंपनी एडजस्ट कर लेगी अलॉटमेंट में, मतलब अलॉटमेंट में 10 लाख शेयर पे जितना पैसा मिलना चाहिए था एप्लीकेशन के साथ, वो पैसे को कंपनी एडजस्ट कर देगी। इसको बोला जाता है प्रोराटा, ये लोगों ने पहले भी एक दो क्वेश्चन में किया हुआ है। अच्छा, बोथ द कॉल्स वेयर मेड एंड ऑल द मनी वेयर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 3 लाख शेयर्स व्हिच वेयर फॉरफिटेड आफ्टर ड्यू नोटिस। बोल रहा है सारे शेयर पे पैसा मिल गया, सिर्फ 3 लाख शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। उन्होंने कौन सा पैसा नहीं दिया है? उन्होंने नहीं दिया है फाइनल कॉल का लेटर। 2 लाख ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, 3 लाख में से 2 लाख शेयर, 3 लाख शेयर जो फॉरफिट हुआ उसमें से 2 लाख शेयर को रीइश्यू किया गया 85 रुपीज से, जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है। तो ठीक है, देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, तो एप्लीकेशन का पैसा तो 130 लाख पे ही मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना रखना है, कितना एडजस्ट करना है, कितना रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे। इलस्ट्रेशन 19, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हम और नैरेशन नहीं लिख रहे, जस्ट हम एंट्री करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, नैरेशन तो लिख पाओगे। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना मिलेगा, 130 लाख इंटू एप्लीकेशन का कितना करके है, एप्लीकेशन का है यहाँ पर दे रखा था 20 रुपीज, 20, तो 130 × 20 तो ये हो गया 2600 लाख, 2600 लाख। तो मतलब इसके बाद और भी कितना आ जाएगा, ये 130 × 20 है, 130 लाख है और 20, मतलब इस पे और भी 5 जीरो आ जाएगा। ठीक है, इतना अमाउंट नहीं लिख के इसको कर देते हैं इन लाख, तब भी हो जाएगा। ठीक है, बुक में अगर देखो तो वो 1000 और 10 देके इन 1000, मतलब यहाँ पर 1000 लिख रखा है। ठीक है, तो हम इसको इन 1000 नहीं करके लाख में कर रहे हैं, तो 26, ये देखो 2600 और लाख का मतलब और भी 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, और बुक में दे रखा है 2600000 और बोला है और भी 3 जीरो इसमें ऐड हो जाएगा, तो एक ही बात होता है, 2, 4, 5, 6, 7, 3, 3, 6 और 1, 7 एक ही बात है। चाहे इन लाख में लिखो, चाहे इन 1000 लिखो, इन 1000 लिखोगे तो यहाँ पर अमाउंट जो है बढ़ जाएगा, तो अपने हिसाब से वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिफंड कर रहे हैं जो पैसा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20 लाख का रिफंड कर रहे हैं, 20 लाख इंटू 20 रुपीज करके, यानी 400 लाख। ठीक है, 400 लाख हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो रिफंड कर रहे हैं उसका इस तरह से एंट्री हो जाएगा, टू बैंक, रिफंड कर दिया।
अच्छा, अब हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में, तो इसका एंट्री कैसे होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. क्यों अलॉटमेंट लिखना पड़ रहा है? बिकॉज हम लोग सारा पैसा रिफंड नहीं किया है, कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा हम लोगों ने बोला है. ठीक है, तो एप्लीकेशन का कितना पैसा हम लोग ले सकते हैं? ये देखो 100 लाख ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 100 लाख जो है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं. पहले ये एंट्री देखो, 100 लाख का अलॉटमेंट देंगे तो 100 लाख ही हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं 20 रुपीज करके. तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 लाख. ठीक है, यहाँ पर हो गया 2000 लाख. और अलॉटमेंट में कितना पैसा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, जितने का जितना हम लोगों ने रिफंड नहीं किया, 10 लाख का हम लोगों ने रिफंड नहीं किया, तो 10 लाख × 20. ठीक है, 10 लाख का रिफंड नहीं किया ना, 130 लाख में से 20 लाख रिफंड किया, तो बचा कितना, 10 लाख एक्स्ट्रा, क्योंकि 100 लाख का तो हम लोग अलॉटमेंट देंगे, तो 10 लाख का जो पैसा है एक्स्ट्रा वो हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, तो 200 लाख ये. ठीक है, ये हो जाएगा. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 2200 लाख, 2200 लाख आ जाएगा एप्लीकेशन का पैसा. ये हम लोग डायरेक्टली ऐसे इनटू करके नहीं कर सकते, यहाँ पर कैसे कर सकते, ये देखो 2600 और -400 ऐसे करके कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्रेडिट एप्लीकेशन डेबिट. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 2600 -400 लाख. ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, या फिर ऐसे सोच सकते हैं. ठीक है, तो ये पैसा हम लोगों ने क्या किया, कैपिटल में कर दिया, बाकी पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे. अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने लोगों को देंगे, 100 लाख. ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट भी दिखाएंगे. ठीक है, तो अब देखो अलॉटमेंट में हम लोग कितना पैसा मांग रहे हैं, 40 का क्या हिसाब हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम 10 रुपए का है, तो 30 और 10 रुपीज का प्रीमियम, तो 10 रुपीज का प्रीमियम 30 रुपीज कैपिटल में जाएगा 100 लाख के हिसाब से. ठीक है, ये हम लोग का ड्यू एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो 4000 लाख. ठीक है, ये हो गया 3000 लाख और ये हो गया 100 लाख, ये ड्यू एंट्री हो गया. ये एक्चुअली में होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग रिसीव करेंगे तो इतना नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा. कितना कम मिलेगा, 200 लाख कम मिलेगा, 4000 में से 200 लाख कम मिलेगा, यानी 3800 लाख हमें अलॉटमेंट का मिलेगा. तो जब रिसीव एंट्री होगा तब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. तो ये एंट्री इस तरह से हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट कितना होगा यहाँ पर, 3800 लाख होगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे, अलॉटमेंट में तो 4000 लाख ड्यू था, बट 200 लाख एडजस्ट होगा, जो कि पहले से हम लोगों ने बोल रखा था कि ये 200 लाख का हम लोग एडजस्टमेंट कर देंगे, तो 3800 लाख हो गया अलॉटमेंट का. ठीक है, अब नेक्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये ड्यू एंट्री होगा. तो कितना, 100 लाख लोगों को ही हम लोग देंगे, और कितना है फाइनल कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है, अच्छा पहले फर्स्ट कॉल का है 30 रुपीज, अलग अलग है, तो फर्स्ट कॉल ही लिखना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल 30 रुपीज. तो ये हो जाएगा 3000 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 3000 लाख, 300 नहीं 3000 हो रहा है, नहीं 300 ही हो रहा है ना, 100 लाख × 30 3000 हो रहा है, 3000 लाख. ठीक है, अब जब पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये पैसा पूरा ही मिल गया, सिर्फ एक ही पैसा नहीं मिला है फाइनल कॉल का. ठीक है, फाइनल कॉल के केस में प्रॉब्लम होगा, तो 3000 लाख ये हो गया, पैसा रिसीव हो गया. अब हम लोग फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 100 लाख जो है उनसे पैसा मिलेगा फाइनल कॉल का. फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है, फाइनल कॉल है 20 रुपीज करके, तो 20 मतलब 2000 लाख का हमारे पास पेमेंट आना चाहिए था फाइनल कॉल का, लेकिन जब पैसा रिसीव हुआ तब एक शेयर होल्डर, एक नहीं मतलब कितने क्वांटिटी ऑफ शेयर का हमें पैसा नहीं मिला, देखते हैं उसको हम लोग कॉल्सिन एरियर बोल के रिकॉर्ड कर लेते हैं. कॉल्सिन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल का यहाँ पर 2000 लाख ही रहेगा, जितने से डेबिट हुआ था उतने से ही हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, पैसा कितने लोगों ने नहीं दिया,
ये देखते हैं मतलब कितने शेयर पे नहीं मिला, ये देखो 3 लाख, 3 लाख पे फाइनल कॉल नहीं मिला, ठीक है, तो 3 लाख पे फाइनल कॉल नहीं मिला, 3 लाख इंटू कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा 60 लाख, 60 लाख पे हमें नहीं मिला, तो 3 लाख पे नहीं मिला, तो 100 लाख में से 3 लाख पे नहीं मिला तो कितने पे मिलेगा, 100 लाख माइनस 3 लाख, तो नंबर ऑफ शेयर्स जिस पे फाइनल कॉल मिला है तो माइनस कर देंगे 100 माइनस 3, तो ये हो गया 97 लाख पे हमें फाइनल कॉल मिला है 20 रुपीज करके, तो ये हो जाता है 1940 लाख, ठीक है 1940 लाख, तो देख लो 2000 लाख आ जाता है ऐसे करने से, 1940 लाख, सिंपल हिसाब इस तरह से हो गया कि ये हम लोगों को इतना पैसा नहीं मिला। अब फॉरफीचर का एंट्री करेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉरफिट हुआ है, तो फॉरफीचर का एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना शेयर फॉरफिट होगा, तो टोटल 3 लाख शेयर को ही फॉरफिट कर दिया गया है, जिसपे हम लोग हमेशा पार पे एंट्री करेंगे, यानी 3 लाख इंटू यानी ये 30 लाख हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर दिखाएंगे कि कितना पैसा हमें नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों ने जो नहीं मिला उसे कॉलसिन एरियर के साथ एंट्री किया था, तो अभी 2 कॉलसिन एरियर लिखेंगे, अगर हम लोग इसके जगह कॉलसिन एरियर के जगह अगर हम लोग नेट एंट्री करते तो हम लोग ये इसके जगह यहाँ पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बोल के 2000 लाख के जगह हम लोग यहाँ पर 1940 लाख दिखाते, अगर ऐसा हम लोग एंट्री करते तो वहां पर हम कॉलसिन एरियर के जगह हम लोगों को लिखना पड़ता टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बाकी जो अमाउंट 60 लाख का ही आएगा एडजस्ट करने से, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते जो मैंने पहले भी बताया, ठीक है, तो ये हो गया क्योंकि मैंने कॉलसिन एरियर से एंट्री किया है, तो यहाँ पर कॉलसिन एरियर को हम लोग कर लेंगे क्रेडिट, तो कॉलसिन एरियर 60 लाख जो पैसा नहीं मिला, और जो मिला उसे शेयर फॉरफीचर बोल के रख लेंगे, वापस नहीं करना है, टू शेयर फॉरफीचर, कौन सा पैसा मिला है, इनसे सारा पैसा मिला है एक्सेप्ट जो है इसका नहीं मिला, क्या बोलते हैं उसे फाइनल कॉल का नहीं मिला, तो कितना पैसा मिला है, एप्लीकेशन का पैसा मिला है, अलॉटमेंट का मिला है, सारा पैसा मिला है। अच्छा ये कितना हो जाएगा फिर 3 लाख इंटू, चेक करते कितना पैसा होता है, एप्लीकेशन का 20, अलॉटमेंट का 40, अच्छा और फर्स्ट कॉल का 30 और फाइनल कॉल का नहीं मिला 90, लेकिन यहाँ पर ये अलॉटमेंट में जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूडेड है, हम लोग को प्रीमियम को माइनस करते हुए करना पड़ेगा, ठीक है, हम बताते हैं क्यों माइनस करना पड़ेगा, हम लोग प्रीमियम का पैसा नहीं ले पाएंगे, यानी एप्लीकेशन का 20, अलॉटमेंट का 30, 50 और यहाँ पर 30, 80 हो जाएगा, 80, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 इंटू करने से 240 हो रहा है शायद, 18 into 3, हाँ 240 लाख हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस बार प्रीमियम ड्यू हुआ था, प्रीमियम रिसीव भी हुआ, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा में कोई डिफॉल्ट नहीं है, अलॉटमेंट का पैसा मिला है, तो फिर शेयर फॉरफीचर को क्यों कह, मतलब फिर हम लोग यहाँ पर अगर प्रीमियम का एंट्री दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, हम लोग दो बार रिसीव हो रहा है प्रीमियम ऐसा दिखा देंगे, क्योंकि प्रीमियम का अलग अकाउंटिंग होता है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम जब हम लोग किए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट में सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी हम लोगों ने दिखा दिया है कि रिसीव कर लिया है, वो जो है वो शेयर का नहीं होता है, वो प्रीमियम का एंट्री होता है, तो प्रीमियम ऑलरेडी अगर रिसीव्ड है, रूल्स यही है कि प्रीमियम अगर रिसीव्ड है तो उसे टच मत करो, प्रीमियम रिसीव्ड है, यहाँ पर चाहो तो स्टार देके लिख लो, प्रीमियम रिसीव्ड अगर है फॉरफीचर शेयर के लिए, प्रीमियम रिसीव्ड, तो डोंट टच, ठीक है, और उसको कुछ नहीं करना है, अगर प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ है तो रिवर्स एंट्री डाल देना चाहिए, ठीक है, प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है तो उसे कुछ नहीं करना है, तो ये प्रीमियम रिसीव्ड था क्योंकि अलॉटमेंट में था, अलॉटमेंट का पैसा मिला हुआ था, तो यहाँ पर हम लोगों ने 80 दिखाया, 80 कैसे दिखाया, ये देख लो, एप्लीकेशन का 20, अलॉटमेंट का 30 एक्सक्लूडिंग ऑफ प्रीमियम प्लस 30 रुपीज फर्स्ट कॉल का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर रीइशू का एंट्री करेंगे, रीइशू हो रहा है लेकिन पूरा शेयर नहीं हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख शेयर रीइशू हो रहा है, ऐसा ही लिखा हुआ था, ये देखो 2 लाख शेयर रीइशू हो रहा है 85 रुपीज पे, तो 2 लाख इंटू 85 कितना होता है देख लेते, 170 लाख, 170 लाख, ठीक है, ये रीइशू हुआ। अब कितने का शेयर 85 में रीइशू हुआ, 100 रुपीज का शेयर, ये देखो एक्चुअली इसका प्राइस क्या था, 100 रुपीज का शेयर जो है वो 85 में हुआ, ये 100 होगा, सॉरी ये 100 होगा, तब 3000 होगा, है ना, तभी तो जाके ये टोटल करके 3000 होगा,
3000 लाख होगा, 100 था मैंने 10 कर दिया था गलती से, तो 85 मतलब डिस्काउंट में रीशू हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट में 100 का शेयर 85 यानी डिस्काउंट में रीशू हुआ है। अच्छा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर उतना शेयर का हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे जितना रीशू हुआ है, तो 2 लाख इंटू ये हमेशा पर वैल्यू पे होगा, तो 100 यानी 200 लाख, तो यहाँ पर कितना आएगा अगर बैलेंस करके देख लेते हैं हम लोग, बैलेंस करके वैसे नहीं हम कंसेप्ट के साथ ही समझाएंगे, वैसे तो ये 30 लाख आ रहा है, लेकिन क्यों 30 लाख आ रहा है देखो, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि लॉस कितना हो रहा है, ठीक है, तो कितना लॉस हो रहा है 100 का शेयर 85 में, तो 100 माइनस 85 तो 15 रुपए का लॉस हो रहा है 2 लाख पे, उसी हिसाब से होगा 30। यहाँ पर हम लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, शेयर फॉरफीचर बोल के हम लोग यहाँ पर लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करने का लॉस कितना लॉस है, 100 रुपए का शेयर 85 में रीइशू कर रहा है तो 15 रुपए का लॉस जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे जो पैसा मिल गया वो रिटर्न नहीं करेंगे, प्रॉफिट उसको रिकॉर्ड होगा शेयर फॉरफीचर के हिसाब से, वही फॉरफिटेड शेयर को फिर से रीइशू करने पे एक एक शेयर पे 25 रुपए का लॉस है, ठीक है, सॉरी 15 रुपए का लॉस है, तो ये रिकॉर्ड हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब कैपिटल रिजर्व का एंट्री करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व का एंट्री कैसे होगा, इस तरह से होगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये टू कैपिटल रिजर्व ही क्यों हुआ, अब ये वाला मैंने पहले लिख दिया, वैसे लिखना नहीं चाहिए था हमें, ये पहले नहीं, ये पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन समझते फिर देखेंगे कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो भी रहा है कि नहीं। कैसे देखो, 3 लाख फॉरफिटेड शेयर पे, 3 लाख जो फॉरफिटेड शेयर है उस पे हम लोगों ने 240 लाख ले रखा है, 3 लाख फॉर 3 लाख फॉरफिटेड शेयर 240 लाख इज रिसीव्ड। तो अगर हम लोग पर वैल्यू देखें तो पर वैल्यू भी हम लोग देख सकते हैं 80 रुपीज करके ले रखा है, ठीक है, तो 2 लाख पे 80 रुपीज करके अगर लिया हुआ है, क्योंकि 3 लाख पूरा नहीं हम लोगों ने रीइशू किया ना, प्रोपोर्शनेट अमाउंट रीइशू किया, तो अगर 3 लाख पे फॉरफिटेड शेयर इतना रिसीव कर रखा है फॉरफीचर अमाउंट, तो 2 लाख फॉरफिटेड शेयर पे कितना रिसीव कर रखा होगा, 2 लाख इंटू 80 कर दो, क्योंकि हमें पर वैल्यू तो पता ही है, मैंने तो लिख के ही करवाया ना, तो 160 लाख, ठीक है, 160 लाख ले रखा है। अब ये 160 लाख जो ऑलरेडी 2 लाख शेयर पे रिसीव था उसको फिर से रीइशू करने पे हमारा 30 लाख का लॉस हुआ है, तो इतना एडजस्ट कर देंगे इससे, ठीक है, तो लेस कर देंगे डिस्काउंट, जो डिस्काउंट हुआ है डिस्काउंट अमाउंट जो है वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। 160 लाख इस पे गेन कर रखा था, रिटर्न नहीं किया था उन शेयर होल्डर को जिनका शेयर हम लोगों ने कैंसिल किया, अब जब रीइशू किया तो ये 160 लाख में से 30 लाख एडजस्ट करना पड़ेगा जो कि हम लोगों ने डिस्काउंट मतलब लॉस में रीइशू किया, तो इसका मतलब फॉरफीचर अमाउंट में 130 लाख चला जाएगा, मतलब अभी फॉरफीचर मतलब गेन इस शेयर पे ऑलरेडी पहले से गेन हो रखा है सिर्फ 130 लाख जो कि पहले 160 लाख था, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने रीइशू पे लॉस कर लिया 30 लाख का, 15 रुपए कम में रीइशू किया इस वजह से, तो 130 लाख, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर पता नहीं कैसे कैलकुलेट कर रखा है, जो भी हो यहाँ पर भी उसी तरह से ही कर रखा होगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कैलकुलेशन करने का, ठीक है, तो और इसमें दो क्वेश्चन बाकी है, 20 और ये गलती से दो बार 2020 कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है, 2021 और एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ओ ये 21 वाला, अच्छा 2021-22 जो कि 21 बोल के प्रिंट है, ठीक है, ये वाला करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर देखो, नहीं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 21 लिख रखा है बट है तो 22, ये इम्पॉर्टेंट है, ये तभी समझ में आएगा अगर हम लोग वो छोटा छोटा क्वेश्चन समझते हैं, अदरवाइज ये फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो इसको पहले अच्छे से देखो तब ये बाकी 3 क्वेश्चन समझ में आएगा, बाकी होमवर्क के तरह ट्राई करके देख सकते हो, नहीं होगा तो बाद में क्लास में करवाएंगे, ठीक है, फिर आज इतना ही।